السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصلي على محمد كما أنت أهله، فصلي على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك، وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. एक वो इंसान है जो मैं आप हैं, एक हमारा वजूद है ये जाहिर में, ये इंसान है, आदमी है। एक वो है जो हमारे अंदर है, बाहर आदमी है अंदर इंसान है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बाहर भी इंसान होता है अंदर भी इंसान होता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बाहर आदमी होता है अंदर इंसान होता है। ये बड़ी बारीक चीज है, गौर से सुनने और समझने वाली है। बाहर आदमी है, ईमान वाला और जो ईमान वाला नहीं, एक ही तरह के हैं। दो कान है, नाक है, आंखें हैं, चेहरा है, खाना पीना, मिजाज, तबीयतें, सर्दी से बचना, गर्मी से बचना, ये सारी चीजें एक ही हैं। सब कुछ एक ही चीज है। तो सारे आदमी हैं, आप जो ईमान वाला है और ईमान वाला नहीं है इकट्ठा बिठा दो, कोई महसूस तो नहीं होगा। कोई ऐसा तो नहीं कि उसके ऊपर सींग होते हैं उसके ऊपर सींग नहीं होते, या उस ऐसे होते हैं जो बाहर से आदमी होते हैं अंदर के इंसान होते हैं। लोग उनके बारे में अजीब वसवसे, अजीब सोचें, अजीब कैफियात और नागवारियां और पता नहीं क्या, सोचों के एतबार से, समझ के एतबार से जब उनके करीब जाते हैं तो वो अंदर का इंसान अपनी तजल्ली दिखाता है। रुख से पर्दे हटे, फिर रुख से पर्दे हटे हैं, तूर जलने लगा, मेरे साकी का मुझ पे करम हो गया। फिर अंदर से वो पर्दे हटते हैं तो पता चलता है कि नहीं, बाहर से आदमी है अंदर से इंसान है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से भी इंसान होते हैं और अंदर के भी इंसान है, उनका जाहिर का रूप भी ऐसा होता है कि जिसमें वो इंसान नजर आए, आदमी नजर ना आए। उनका अंदर का रूप भी ऐसा होता है जिसमें वो इंसान नजर आए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर के भी आदमी हैं अंदर के भी आदमी हैं। आदमी आदमी अंतर है, कोई हीरा है कोई कंकर है। हाँ, कोई हीरा है कोई कंकर है। मैं भी आप भी अपने बारे में हम मिल बैठ के सोचें, हमारा अंदर क्या है, हमारा बाहर क्या है, हम आदमी हैं या इंसान है।
बच्चा शरारत कर रहा हो तो उसे ये नहीं कहते आदमी बन, कहते इंसान बन। अरब में किसी को हैवान कहना बहुत बड़ी गाली है। हम एक टैक्सी में जा रहे थे, सुरंग से गुजर रहे थे, एक बंदे ने खतरनाक ओवरटेकिंग की, तो हमारे साथ जो ड्राइवर बैठा हुआ था वो अरब था, तो उसने उसको कहा हैवान, जानवर है, ये क्या करते हैं? खोल के देखा जाएगा कि अंदर इसका क्या है, अंदर से आदमी है या इंसान है। जितने भी औलिया थे, सालहीन थे, अल्लाह के वली थे, उन सब ने अपनी मुर्शिद की खिदमत में रह रह के अपने आप को अंदर से सह 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 के इतना कुंदन बना लिया था कि वो जाहिर में भी, बातन में भी, अंदर भी बाहर भी इंसान बन गए थे। मैं लफ्ज कह रहा हूं सह सह के। सोहबत में रहते हुए नागवारियां आती हैं। उसने टोका टाकी की, उसने शिकायत की, उसने टांग पकड़ के खींच दी, उसने ये किया। ये राहों में चलते हुए ये मंजिलें आती हैं, पर चलता रहा, सहता रहा, सुनता रहा और मंजिल को चलता रहा, वो शख्स अंदर से भी इंसान बन जाता है, बाहर से भी इंसान बन जाता है। जब अंदर और बाहर से इंसान बन जाता है, इसके अंदर से एक तजल्ली निकलती है, एक नूर निकलता है। इसके रंग में फिर 100 बंदे रंगे जाते हैं, 1,000 बंदे रंगे जाते हैं, 1,00,000 बंदे रंगे जाते हैं, करोड़ अरबों रंगे जाते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह के ऊपर मुकदमा दायर हुआ अदालत में, ये लोगों को ये जबरदस्ती मुसलमान कर रहे हैं। और हजरत अजमेरी रहमतुल्लाह, हजरत मोइनुद्दीन अजमेरी, नाम असल हसन था, रहमतुल्लाह जो है, उन्होंने अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जाम ऐसा पिया था, और ऐसी मसाइल और मुश्किलात और नागवारियों में जिंदगी के दिन रात गुजारे, पर दामन नहीं छोड़ा। करते करते एक वक्त आया कि अंदर भी इंसान और बाहर भी इंसान, और ये इंसान जब इंसान बन जाता है, इस वाक्य के सुनने से पहले ये सुनते चले जाएं, इसी इंसान के परों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं जब ये इंसान होता है। इसी इंसान के फरिश्ते हाथ मिलाते मुसाफा करते हैं जब ये इंसान होता है। इसी इंसान को फरिश्ते आके रोज घरों में सलाम करते हैं जब ये इंसान होता है। और इसी इंसान को जब हदीस में आता है मफहूम है, फरिश्ते जिसको पहली सफों में देख ले नमाज का एहतमाम करते हुए, जब वो नहीं आता तो फरिश्ते उसकी खैर खबर लेते हैं, बीमार होते हैं फरिश्ते उसकी इयादत करते हैं, और हदीस के अल्फाज यहां तक मफहूम है कि उसके कामों में उसकी मदद करते हैं। इंसान जब होता है फिर ये फरिश्तों से ज्यादा एहसास पा लेता है। जब इंसान होता है फिर फरिश्तों से ज्यादा मोहतरम मुकर्रम मुअज्जज हो जाता है जब इंसान होता है। जब इंसान होता है फिर ये दुआओं के लिए हाथ उठाता है, मुंह पे हाथ फेरने से पहले फैसले करा लेता है। जब इंसान होता है, हदीस में आता है मफहूम में, अल्लाह के बंदे बाज ऐसे हैं अल्लाह पे कसम उठा ले अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर दे। कुफार मुशरिकीन को यही तो मवालता लगा था कि ये हमारी तरह तो है, शादियां करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, हमारे कबीले से हैं। ये कहते हैं मेरे पास जिब्रील आता है, वही आती है, जन्नत है, जहन्नम है, मैं आंखों से जन्नत और जहन्नम का नजारा मैंने किया है, अल्लाह की तजल्ली को देखा है, और ताइफ के बाद मुझे मेराज मिला है। ये क्या क्या बात है, अजीब व गरीब बात है। असल में उन्होंने नबूवत को अकल से सोचा। नबूवत अकल का नाम नहीं, अता का नाम है, बस मान जा चुप करके इसमें तेरी खैर है। विलायत अकल का नाम नहीं, अता का नाम है, जिसको मिल जाए, कमी कमीन को मिल जाए, हल्लाज को मिल जाए, श्री शक्ति कबाड़ियों को मिल जाए, जिसको मिल जाए। हिकमत नहीं है शाह, हम जिसको हिकमत और दानाइयां देते हमारी मर्जी है, पर हिकमत फकत उतिया खैरन,
कसीरा, पर जिसको हम दे देते हैं फिर उसको खैर कसीर दे देते हैं, फिर उसको खैर कसीर इतनी देते हैं कि खुद उसको भी समझ नहीं आती हो क्या रहा है। रूह की दुनिया के साथ अकल के तजिए करता है तू, और फिर अकल के साथ चल के कहता है मैं चल भी लूं। सुने जरा गौर से, रूह की दुनिया के साथ तू अकल के तजिए करता है, फिर अकल के साथ चल के कहता है मैं चल भी लूं, नहीं चल सकेगा, डिट्रैक हो जाएगा, एक वक्त आएगा एक तरफ हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं तेरी अकल में आएंगी नहीं, और कुछ चीजें नहीं बहुत सी चीजें तेरी अकल में समझ नहीं आएंगी। जब अंदर बाहर इंसान बन जाता है, अंदर बाहर इंसान बन जाता है, इंसान बनते बनते जब अंदर बाहर, फिर इसके अंदर के नूर की तजलियां जिसके बारे में ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ईमान जब मोमिन का होता है, इंसान ईमान, इंसान और मोमिन यही की चीज है, जब अंदर होता है और उसका सीना अगर चीरा जाए तो उसके ईमान की ऐसी तजल्ली, ऐसा नूर है कि सारी दुनिया में अगर उस तजल्ली और नूर को फैलाया जाए, सारी दुनिया के सूरज चांद की रोशनी मंद पड़ जाएगी, सूरज चांद की रोशनी खत्म हो जाएगी और तजल्लियात निखर आएंगी, और सारी दुनिया उस तजल्लियात में वो खुशबू होगी कि मदहोश हो जाएगी। और वह जो आदमी है इंसान नहीं, जिसके सीने में ईमान नहीं, उसके सीने को अगर चीरा जाए उसके अंदर इतनी बदबू है कि सारी दुनिया के सूरज चांद तारीक हो जाएंगे, अंधेरा छा जाएगा, उस बदबू से लोगों की रगें और दिल फट, लोग मर जाएंगे। मुझे कई लोग कहते हैं हम बाहर के मगरब के मुल्कों में जाते हैं, मैला से मैला मुसलमान है उसमें वो बदबू नहीं आती, साफ सुथरा ईमान वाला ना हो उससे अजीब गरीब बदबू आती है, वो उसकी नहीं वो कुफर की है। जुनेद बगदादी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बात अर्ज कर रहा था, शेख के ऊपर मुकदमा दायर हुआ, लोगों को जबरदस्ती मुसलमान करते हैं और उनको इल्म नहीं था कि ये अंदर बाहर से इंसान बन गए हैं। इंसान अंदर भी है और बाहर भी है, इंसान बन गए हैं। तो फरमाया कि जब वो अदालत में पेश हुए तो मजमा था इधर मुसलमानों का इधर हिंदुओं का, तो मुकदमा उनके सामने हुआ, उसकी समाअत हुई, तो उनसे कहा जी आप इसका जवाब दें, तो उन्होंने इशारा करके एक हिंदू की तरफ कहा, कहा कि इससे पूछे मैंने इसको कहा है कि कलमा पढ़, और उसने उसी पर कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, और दूसरी की तरफ इशारा किया मैंने इसको कहा है, वह जिसकी तरफ इशारा करते थे तीरे नजर का ये असर जिसको लगा शिकार है, तीरे नजर का ये असर जिसको लगा शिकार है, बस ऐसे हाथ करते जाते थे और कलमा, जज भाग गया उठ के कि मेरी तरफ हाथ आएगा तो मुझे भी कलमा पढ़ना पड़ जाएगा, मैंने तो नहीं कहा इसको। वंदर का इंसान जागा है, कहते हैं ना कि अंदर का इंसान जब मेरा जागा फिर मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी कुछ ये थी, मैं तो इसको जिंदगी समझता रहा कि मेरे दिन रात तारीख थे, मेरे दिन रात स्याह थे, मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जत इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया। फिर एक अंदर एक जागा इंसान और एक एहसास हुआ कि नहीं दुनिया कुछ और है, जिंदगी कुछ और है, मैंने तो इसी को सब कुछ समझा हुआ था। फिर एक अंदर इंसान जागा और अंदर का इंसान मेरी आपसे दरखास्त यह है, हम हर सांस हर लम्हा हर पल हर कदम अपने अंदर को इंसान को पढ़ते रहें। मैं भी मोहताज हूं अपना सबक सुना रहा, आप भी पढ़ते रहें अंदर के इंसान को। ये खिड़कियां खोलें इस तरफ वाली, सिर्फ इस तरफ वाली, अंदर के इंसान को। अच्छा वो पढ़ेंगे कैसे, उसकी परख क्या होगी बताऊं मैं आपको, मेरी तरफ देखें, उसकी परख क्या होगी कि मेरे अंदर का इंसान जाग गया है और मैं अंदर से भी इंसान हूं बाहर से भी इंसान हूं, क्या परख है उसकी, पैमाना क्या है, तराजू क्या है, थर्मामीटर क्या है, आखिर है क्या, कैसे पता चलेगा।
किसी ने एक अल्लाह वाले से पूछा, हजरत अल्लाह की बारगाह में मेरा मकाम क्या, मुझे कैसे पता चलेगा? अल्लाह के यहां मेरा क्या मकाम है? शकी हूं, सईद हूं, जलील हूं, खबीस हूं, जानवरों में मेरा नाम है, खिंजीरों में, कुत्तों में, बंदरों में या इंसानों में? कुरान कहता है कि वो लोग जब अल्लाह से दूर होते हैं, उसके हबीब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दूर होते हैं, तो वो इंसान नहीं, इंसानों से बदतर हो जाते हैं, बल्कि इंसानों से बदतर नहीं, वो उससे भी बदतर हो जाता है। उलाइका कल अनाम बल हम अजल। तो मेरा अल्लाह की यहां क्या मकाम है, मुझे कैसे पता चले? मेरा अल्लाह के यहां क्या मकाम है, मुझे कैसे पता चले? आप बताइए। तो शेख ने फरमाया, बस ये देख दुनिया में अल्लाह ने तुझे किन कामों में लगा रखा है, तेरे दिन, तेरी रातें, तेरी सुबह, तेरी शामें, किन कामों में तुझे अल्लाह ने लगा रखा है? तू झूठ की दलाली करता है या सच की दलाली करता है? तो मुजरिम को तकवीयत देता है और मुजरिम को छुड़वाता है, और जो मुजरिम नहीं होता उसको फंसाता है। तो किस चीज की दलाली करता है, किस चीज की दलाली करता है? यह तो किन कामों में मुबतला है, तेरे सुबह, तेरी शामें, तेरे रोज, तेरे दिन क्या है? वह समझ ले, ऊपर भी वही निजाम है जो नीचे निजाम। हमें कैसे पता चले, हमें कैसे पता चले कि हमारे शब रोज और है, और हमारा अंदर भी इंसान है, हमारे बाहर भी इंसान है? ये उस वक्त पता चलेगा जब हमारा एहसास जाग जाएगा। बस एहसास अगर जागा है, एहसास अगर जागा है, एहसास, तो समझ लें कि हमारा सब कुछ जाग गया। एहसास खता करके भी कहते हैं, जलम तो नफसी फ़ग़फ़िर ली, जलम तो नफसी फ़ग़फ़िर ली, मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी। जुल्म किया, इधर देखना नहीं था, पहली नजर तो थी, दूसरी तो बड़ी खता थी। ये लुकमा मैंने खाया, ये पैसे मैंने किस नियत से लिए, किस जज्बे से लिए, ये माल मैंने किस जज्बे के साथ कमाया, और अपनी नस्लों को क्या खिला रहा हूं? जलम तो नफसी फ़ग़फ़िर ली। एहसास जब बेदार हो जाता है, जिंदगी की बेदारी यहीं से शुरू होती है, और जिंदगी के मनाजिल यहीं से शुरू होते हैं, जब एहसास बेदार हो जाता है। और जब एहसास मुर्दा होता है, फिर इंसान जिंदगी में यहीं बहुत दूर चला जाता है। एहसास और इंसान दो हैं, एक अंदर का इंसान है, एक बाहर का इंसान है। जब अंदर का इंसान बीमार होता है, तकलीफ में होता है, परेशान होता है और मरीज होता है, फिर दुनिया में चैन लूट जाता है। क्या लुत्फ अंजमन का जब दिल ही बुझ गया हो? जब अंदर का बीमार होता है, जब अंदर का बीमार होता है, फिर माशरे में तलाकें बढ़ जाती हैं। जब अंदर का बीमार होता है, माशरे में नफरतें बढ़ जाती हैं। जब अंदर का बीमार होता है, माशरे में खुदकुशियां बढ़ जाती हैं। जब अंदर का बीमार होता है, माशरे में नफरतें बढ़ जाती हैं। जब अंदर का बीमार होता है, फिर सड़क के ऊपर गाड़ी, अगर तेरी गाड़ी से कोई आगे निकाले, उसको घूर के आंखों से देखता है और तेज नजरों से देख के कोशिश करता कि मैं उससे आगे ले जाऊं। जब अंदर का बीमार होता है, फिर किसी को बर्दाश्त, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे रहना, सब इसको बर्दाश्त नहीं होता। जब अंदर का बीमार होता है, फिर इसकी जिंदगी में हसद और कीना होता है, और हसद और बुग्ज होता है, और फिर कीना और बुग्ज होता है। बुग्ज कहते हैं नफरत, बुग्ज कहते हैं नफरत, और कीना कहते हैं फिर उसका इंतकाम भी लेना। जब अंदर बीमार होता है, और जब बाहर बीमार होता है, फिर अस्पतालें बढ़ जाती हैं, फिर हकीम बढ़ जाते हैं, फिर डॉक्टर बढ़ जाते हैं, फिर मेडिकल स्टोर बढ़ जाते हैं, फिर दुकानें मेडिकल स्टोर की सब्जी की दुकानों की तरह आम हो जाती हैं, खाने पीने की दुकानों की तरह आम हो जाती हैं। जब बाहर बीमार होता है, फिर माशरे के अंदर, आपस के अंदर, माशरे में आपस के अंदर रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। जब बाहर बीमार होता है, फिर ये बुस्तिल हो जाता है, फिर ये खत्म हो जाता है। आज हम अंदर से भी बीमार हैं, बाहर से भी बीमार हैं।
और अगर अंदर को ठीक कर ले बाहर ठीक हो जाता है। वजीफा अंदर को ठीक करता है बाहर को ठीक नहीं करता। आज जरा गौर से सुनिएगा। कहने लगे जी आप वासेब तुम वाला वजीफा पढ़ ले, ये अजान वाला वजीफा पढ़ ले। फूक अंदर को ठीक करती है, अंदर ठीक हो तो ही बाहर ठीक हो जाता है। दम वाला पानी अंदर को ठीक करता है, इसमें कोई विटामिन नहीं होते। दम वाले पानी के अंदर कोई ऐसे क्रिस्टल्स नहीं होते, कोई जड़ी बूटियां पीस के उसका अर्क मिलाया हुआ नहीं होता। असल में वो अंदर को ठीक करता है। जब अंदर ठीक हो जाता है बाहर खुद बहुत बेहतर होना शुरू हो जाता है और लाजवाब होना शुरू हो जाता है। असल अंदर है। याद रखो कि वो दिल है अंदर अंदर। सारी दुनिया की मेहनत बाहर के लिए है। घर बना, घर में दो चीजों का ख्याल रखना, एक टॉयलेट और एक किचन। सारी दुनिया की मेहनत बाहर के लिए है। गाड़ी का लुक कैसे है और लिबास का अंदाज कैसा है और इमारत की तरतीब कैसी है, सारी जिंदगी की मेहनत बाहर के लिए है कि चीज पकी कैसी, उसका जायका कैसा है। और सारा निजाम जो रूह का है वो अंदर के लिए है कि अंदर के मजे क्या है। अंदर के भी कोई मजे हैं, जैसे बाहर की लज्जतें हैं ऐसे अंदर की भी लज्जतें हैं। अगर मेरे आपके ऊपर अल्लाह दरूद की लज्जत खोल दे, दरूद पाक की लज्जत खोल दे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, किसी भी दरूद पाक की अल्लाह पाक लज्जत खोल दे मेरे आपके ऊपर, हम सारी दुनिया की लज्जतें भूल जाएंगे। अल्लाह कलमे की लज्जत खोल दे, अल्लाह तिलावत की लज्जत खोल दे, अल्लाह नमाज के अंदर के कहने की अल्लाहु अकबर इसकी लज्जत खोल दे। लज्जत मलेरिया के बुखार की लज्जत ही तो खत्म हो जाती है। कहते हर चीज बेजायका है, जब इलाज होता है लज्जत खुल जाती है। कहते वाह मजा मजा आया, सेहतमंद आदमी, और इतना मजा आया मैंने मजे का नाम लिया तो आपको मजा आ गया और मुंह में पानी भर गया। हाँ हाँ इतना मजा आया। बुखार वाला मरीज, बीमार मरीज होता है किसी भी तकलीफ में, उसको कोई चीज दी जाए कहता है मैं नहीं खाता हूं। मीठी को कड़वी कह रहा होता है, कड़वी को मीठी कह रहा होता है। उसका जायके खत्म हो चुके होते हैं, उसकी लज्जतें खत्म हो चुकी हैं। वही जब उसका इलाज हो जाए उसकी लज्जत लौट आती है। फिर उसे महसूस होता है कि दलिये की ये लज्जत है और चांपों की ये लज्जत है और कबाबों की ये लज्जत है और बिरयानी की ये लज्जत है और लाहौरी खाबों की ये लज्जत है। फिर उसके अंदर वो लज्जतें लौट आती हैं। अल्लाह पाक बीमारी के नाम पर बता रहा, मैं चाहूं तो बीमारी के नाम पर लज्जतें छीन लूं, उसके लिए हर चीज बराबर है, उसको कोई लज्जत नहीं है। इसी तरह मैं चाहूं तो अपने नाम की लज्जत दे सकता हूं और छीन भी सकता हूं। अपने नाम की लज्जतें, अपने नाम का मजा, अपने नाम का सुकून और सुरूर, अपने नाम का कैफ और कैफियत। कॉफी की अपनी कैफियत होती है, चाय की अपना मजा होता है, पकी हुई चाय का अपना मजा होता है। जो शाशे डालते हैं उसके अंदर, शाशे डालते हैं ठीक, वो बैग टी बैग, उस चाय का अपना मजा होता है। कहते नहीं ये चाय नहीं है, पकी हुई चाय, वो अपना मजा होता है। लकड़ी की चाय का अपना मजा, गैस की चाय का अपना मजा, कोयले की चाय का अपना मजा, पीतल की पतीली हो उस पे कली किया हुआ, उस दूध के कड़ा होना उसका अपना मजा, भूरी भैंस के दूध का अपना मजा, काली भैंस के दूध का अपना मजा, तंदूर हो और उसके अंदर उपले गोहे हो गोबर हो, उससे तंदूर गर्म हो और रोटी हाथ की हो, देसी आटा हो, पानी के साथ लगी हुई रोटी हो उसका अपना मजा, थापी के साथ लोगी रोटी उसका अपना मजा, कोयलों के तंदूर की रोटी का अपना मजा और लकड़ी के साथ तंदूर की रोटी का अपना मजा, मदीने वाले के नाम का अपना मजा। अगर अंदर मजा आ जाए तो, आ जाए तो मालूम हुआ मजा मिल भी जाता है छिन भी जाता है। बीमारी की मिसाल मैंने आपको दी है, वही शख्स है उसे मजा आता था और वही शख्स है उससे मजा छिन गया। कहता है मैं मुझे किस चीज में मजा नहीं आ रहा, मैं नहीं खाता,
और अगर खाता भी है बेलज्जत और बेमजी मजा चीज खाता है, कहते है, खाएगा तो अंदर कुछ जाएगा तो तेरी सेहत बनेगी। एक बीमारी ने खत्म किया, दूसरा भूख ने खत्म किया, क्या कर रहे हो? रब से मांगा करें, अल्लाह अपने नाम की लज्जत दे, अरब मदीने वाले के नाम की लज्जत दे, मौला दरूद की सलाम की और कलमे की लज्जत दे, लज्जत दे। कितने अल्लाह वालों के वाकियात में है ऐसे, बैठे हुए लज्जत में, ऐसे नमाज के लिए खड़े हुए हैं, छत गिर गई है और नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के लिए खड़े हुए हैं, बच्चे को सांप लिपट गया है, शोर शराबा हो रहा, लोगों ने सांप से उनको सांप बच्चे को हटा दिया, उन्हें कहा अल्लाह आपका भला करे आपको सांप, फरमाया नमाज की लज्जत और रायका ऐसा था। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने सुबह फजर की जमात खड़ी की और उधर मदनी को और उधर जो है ट्रेन की सीटी बज गई, खादिम ने उठाया बक्सा, भागा ट्रेन में, खादिम चला गया दरवेश यहां है, उसको नमाज में तिलावत में ऐसा मजा आया कि बस सब कहानी खत्म हो गई। ये लज़्ज़त अल्लाह से मांगा करें। उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु सारी रात खड़े एक ही रकत में पूरा कुरान पढ़ रहे, क्योंकि लज़्ज़त थी जो खिलाई जा रही थी, जो पिलाई जा रही थी, जो किया जा रही थी, वो लज़्ज़त ही तो थी। एक अल्लाह वाले कहने लगे, एक बंदे ने खाना खाया, बहुत खाया बहुत खाया, फिर कहने लगा हाय, उन्हें कहा अब हाय क्यों? कहने लगे ये बच क्यों गया? हाय, ये बच कैसे गया? एक साहब थे खाने के शौकीन भी थे, फिर उनको दावतें भी होती थी, खूब अच्छी तरह खा के यूं करके कह करके फिर रिलैक्स होकर फिर दूसरी महफिल में जाते थे। अब ये बात करूंगा आपकी तबीयत ही खराब होना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये बात मैं दो तीन दफा कहूं कोई तो एक उल्टी करे। लज्जत खाने की, क्योंकि अंदर जाने के बाद तो काम खत्म हो जाता है, असल तो वो मुंह का जायका है। दावतें होती थी, खूब जी भर के खाते थे, अगली दावत पे जाना है उनको भी मुतमैन रखते थे, और ये उंगलियां डाली और अच्छी खासी जी भर के कह की स्टोमिक वॉश किया, मैदा धोया, पानी पिया, बेरुल्डी वाली, फिर बेहतरीन रिलैक्स होके नाक मुंह धो के सब कुछ करके फिर वहां पहुंचे, फिर जी भर के खाया, एक दिन में दो तीन उल्टियां कर ली, क्या हो जाए? असल तो लज्जत है। हाँ, मुझे आपको अल्लाह अपने नाम की लज्जत दे दे, अपने नाम का मजा दे दे, मदीने वाले के नाम पे दुरूद सलाम का मजा दे दे, कलमे का मजा दे दे, कुरान का मजा दे दे। एक लज्जत है, लज्जत है, लज्जत है, लज्जत है। मुझे एक साहब मिले, ऐसे हाथ करके मिले जोर से, मैंने कब ख्याल करना, कहने लगे अभी 45 लेग पीस खा के आए खड़े हैं, 45 लेग पीस, और बाकायदा मुकाबला होता है बकरे के ऊपर कौन ज्यादा खाएगा, मुकाबला होता है। हमारे एक बाबा जी हैं, उन्होंने कहा बाबा जी बर्फी है साथ, वो कागज वाला शापर होता है वो भी है, इस समेत खाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कर्मा वाले, वर्सल उसका उनका जरिया है कर्मा वाले, वो कहते हैं कर्मा वाले, वो परेशान ना हो, वो ऐसे शापर को उठाया, ऐसे तोला, वो मेरे ख्याल में बर्फी को 3 पाव किलो थी या 1.25 किलो थी, मुझे याद नहीं, उसने कहा कोई हर्ज नहीं इंशाल्लाह आपको, पर ऐसे याद करता है उसकी उसकी तबीयत में ऐसे याद करता है, क्या दोगे क्या? उन्होंने कहा बर्फी नहीं दी, कह लगत कागज समेत, वो कागज वाला जो होता है शापर उस समेत खाना है, बर्फी दोगे क्या? उन्हें कहा बाबा जी ये तो खा के दिखा कर, छोड़ो इस मामले को, दोगे क्या? कह लगे मेरी नई नई शादी हुई, मैं ससुराल गया, इतने लंबे लंबे गिलास होते हुए दूध वाले, उन्होंने मुझे एक गिलास दिया, कह लगे और चाहिए? नया नया दामाद आया, उसने कहा अगर थोड़ा सा हो तो दे दे, उन्होंने गिलास भर के और दे दिया, बड़ा गिलास जिसमें 3 पाव से ज्यादा दूध आए, उसने कहा जी और, कह अगर है तो और दे दे, कोई ज्यादा मसला नहीं है।
लगे पूरे घर का दूध पी गया मैं। अब कहते रहे मैं खाता रहा क्योंकि नहीं तो ओतरे के मुंह में चौंधी है। लज्जत मजा, हाँ लज्जत मजा आ रहा पी रहा। कहने लगे 28 किन्नू पड़े थे। कहने लगा बाबा जी 28 किन्नू छिलके समेत। कहने लगा फिक्र ना करो 28 किन्नू छिलके समेत बाबा खा गया। छिलके, छिलके के अंदर अपनी ताकत होती है। ये मुंह की लज्जतें हमारी तबीयतों में आई, शहवतों की लज्जतों को हमने जाना, नहीं जाना तो दरूद और सलाम की लज्जतें और कलमे की लज्जतें और मदीने वाले के नाम की लज्जतें और कुरान की और लफ्ज अल्लाह की लज्जत नहीं जानी। अल्लाह, ऐसे दिल का रोआ रोआ ऐसे खड़ा हो जाता है। लज्जत अल्लाह की जब अंदर इंसान बन जाएगा और जब बाहर इंसान बन जाएगा, इसकी लज्जतें और हो जाएंगी, इसके जज्बे और हो जाएंगे, इसकी चाहतें और हो जाएंगी, इसकी सुबह शामें और हो जाएंगी। फिर दुनिया में रहेगा, दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे, फिर रहेगा दुनिया में, पर इसके इसकी इसकी कैफियतें और इसकी चाहतें और इसके सुबह इसकी शामें फिर और होंगी। रहेगा दुनिया में फिर और होंगे। अंदर का मजा कैसे मिले, अंदर की लज्जत कैसे मिले। अंदर का मजा और लज्जत जो दिल में उतर जाए उस करीम के नाम की बातों का मजा है। हमारे एक साहब है, उनको उनका नाम है, कहने लगे ये बातों का ट्रक है। मुझे कहने लगा कि आपको इनसे मिलवा रहा हूं, ये बातों का ट्रक है। ट्रक वाकई ट्रक था। वो एक से नई बात निकालता, शरीफा निकालता, हंसाता था इधर की बातें, यानी पता नहीं उसके पास बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा ट्रक अभी अनलोड हुआ, अभी अनलोड हुआ। वो ट्रक के बाद बड़ा व्हीलर का ट्रक बन गया, फिर ट्रॉला बन गया, फिर कंटेनर बन गया। वाकई उसने कहा ट्रक था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दुआओं में लज्जत और आशनाई मिल जाती है। घंटों घंटों की दुआ उसके सामने बैठे कर रहे, उससे बातें कर रहे, कुछ रोज उसके गम में यूं ही सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना, उससे बातें कर रहे, बातों में मजा आ रहा। पैकेज जब लगा हुआ हो यार का तो पैकेज खत्म हो जाता है। यही तो नेट वाले वाले कमाते हैं, मजा आते आते पता चलता वो बाकी बैलेंस भी चला जाता है, बाकी भी बुरी जड़ी से बच्चे कटता, वो बैलेंस में सारा जब खत्म होता है, कह रहा खत्म हो गया बैलेंस, खत्म है ना पैकेज, खत्म हुआ पता चला सब कुछ खत्म हो गया। ओ गुफ्तगु का मजा आ रहा। हमें ऐसे ही हमारा अल्लाह के साथ एक पैकेज लगे, मोहब्बतों का, उल्फतों का, चाहतों का, लज्जतों का। फिर अल्लाह के साथ बातें करते 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 एक घड़ी ऐसी आए कि मेरा अल्लाह कहे मेरे बंदे बस कर, बस कर, इलाही तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा, मेरा कार तेरा, तेरा कार मेरा, इलाही को तुझसे क्या, कोई क्या मांगते हैं, इलाही मैं तुझसे तुझे मांगता हूं। ये है लज्जत, इलाही मैं तुझसे तुझे मांगता हूं। ये चीज चलते चलते आ जाएगी, पर चलता रहे। ये चीज हिलते हिलते मिल जाती है, पर हिलता रहे ये चीज मिल जाती है। हमने जंगलों में नहीं जाना, रहमानियत घर छोड़ दो और बीच बच्चे छोड़ दो और कारोबारी जिंदगी को छोड़ दो, नहीं, हमने इस दुनिया में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए मेरी तरफ देखते रहिए, दुनिया में रहते हुए इस नूर को पाना है, दुनिया में रहते हुए इस सुकून को पाना है। और ऐसा हो इस दिल को जब फरिश्ते आए आके छेड़े और इसके अंदर के ईमान को चेक करें,
तो पता चले कि नहीं, ये तो कहानी कुछ और है, अंदर भी इंसान है बाहर भी इंसान है। क्या करें, ये तस्करा मुझे भी अजीब लग रहा है, आपको भी अजीब लग रहा है कि ना कहीं सुना, ना कहीं पढ़ा, ना कहीं मीडिया, ना कहीं अखबार, ना कहीं रिसाला, ना कहीं बोल, ना चार बंदे इकट्ठे हो, ये तस्करी खत्म हो गए। जिस चीज के तस्करे खत्म हो जाते हैं उसका वजूद खत्म हो जाता है। मुझे एक साहब कहने लगे, अदब के बहुत बड़े इंसान थे उर्दू अदब के, कहने लगे अल्फाज भी मर जाते हैं, वास वक्त होता है अल्फाज मर जाते हैं, फिर वो जो बंदा उन लफ्जों को इस्तेमाल करे लोग कहते हैं इसका क्या माना होगा, लफ्ज मर जाते हैं, क्यों, उनका तस्करा खत्म हो जाता है। इस तरह रूह की दुनिया, लज्जतों की दुनिया, दिल की लज्जतें, दिल की चाहतें, जिक्र की लज्जतें, मदीने वाले के नाम लेने की लज्जतें, ऐसी मजालिस जहां आप तस्बीह खाने में बैठे हैं इसके बैठने की लज्जतें, बैठना भी एक लज्जत है कि बात होती रहे, हम सुनते रहे, यार बाकी रहे, मैं बाकी रहे, मैं खाना बाकी रहे, बस्ती आबाद रहे, ये भी एक लज्जत है। तस्करा ही खत्म हो गया, रिवाज से ही बात चली गई, रिवाज से ही चली गई, अनोखी सी नजर आती है बात, उकताहट सी महसूस होती है, वो जिंदगी की कैफ ही खत्म हो गए, करार ही खत्म हो गए। पर हमने कोई आयत करना है, हमने दिल को मनाना है और दिल पे अहद करना है कि हमने आरजुए खून हो या हसरतें पामाल हो, अब तो इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे, आरजुए खून हो, आरजुए खून हो या हसरतें पामाल हो, मौला मेरी सारी आरजुओं का खून हो जाए और मेरी सारी हसरतें मिट्टी में मिल जाएं, मुझे यह तो मंजूर है, पर इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे, पर इसको तेरे दिल के काबिल, इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे। ये अंदर का इंसान जगाना है, दो इंसान लिए लिए आप फिर रहे हैं, एक अंदर का इंसान है एक बाहर का इंसान है, या फिर आप आदमी है तो दो आदमी लिए लिए फिर रहे हैं, एक अंदर का आदमी है एक बाहर का आदमी है। एक अंदर का जो अगर इंसान है, उस इंसान को अंदर के इंसान को कैसे बेदार करें, वो अंदर का इंसान भी जागे, अगर नहीं जागेगा रूह की दुनिया मुर्दा हो जाएगी, फिर नमाज पे दिल नहीं करेगा। जैसे जायके खराब होते हैं टाइफाइड बुखार मलेरिया या किसी बीमारी से, मुंह का जायका जब खराब होता है फिर कहते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा, फिर मीठी को कड़वी कह रहा, लजीज को बदजायका कह रहा, मालूम हुआ कि इसका अंदर खराब है। फिर वही अंदर का निजाम जब ठीक होता है किसी दवा से, तो जब उसका अंदर का निजाम ठीक होता है फिर जायके भी ठीक होते हैं, कहते हैं बहुत मजा आ रहा, मेरी ये चीज खा कौन गया था, इसमें बड़ा मजा था, फिर उसकी उंगलियां भी चाटते हैं, उस बर्तन को भी चाटता है, कहने लगा मैं एहसान दानिश मरहूम के पास शायर थे अब्दुल रहीम साहब ने बताया मुझे कि हमने मुशायरा कराना था पंजाब यूनिवर्सिटी में, उनके पास गए तो वो सोन हलवे की कढ़ाई की खुरचन खा रहे थे, खुरचन खुरच खुरच के खा रहे थे। तो कहने लगे हम स्टूडेंट थे सारे, हम उनके पास गए, हमने कहा एक दफा पहले आए थे तो आपने कहा था कि हम मुझे शुगर है और ये खुरचन खा रहे, कहा के सारा सोन हलवा एक तरफ, उसकी खड़ाई कढ़ाई की जो खुरचन है उसकी लज्जत एक तरफ, और कहा कि मेरे पास एक टोटका है शुगर कंट्रोल करने का, मैं खुरचन भी जी भर के खाता हूं मुझे शुगर भी नहीं होती। मुझे बता दें, कहने लगा जब मुझे पेशाब की हाजत होती है पहले एक गिलास पानी पी लेता हूं, पेशाब फिर कर लेता हूं, आज तक मेरी शुगर लेवल बॉर्डर पे रही है, ऊपर हुई ही नहीं, और खुरचन भी खाता हूं। अनारकली में रहते थे, फिर कहने लगे कि एक घड़ी वाला आया, छोटा सा सीढ़ियां थी उसमें, उनका घर ऊपर सीढ़ियों पे था, तो कहने लगा सीढ़ियों के सामने मुझे जगह दे दे, मैं घड़ियों का थोड़ा सा बॉक्स लगाऊंगा, आपको महाना दूंगा। इतना महाना तय हुआ और कहा कि वो महाना पूरे साल हर साल से तय करके देता था, आज तक तंग नहीं किया,
और आज तक उसने मुझे परेशान नहीं किया। फिर आखिरकार मैंने उसे अपनी बेटी की ऑफर की कि इसकी शराफत या रा पिया या वा पिया वास्ता पड़ा। देखा, मैंने उसे बेटी दी थी, हालांकि वो खानदानी नहीं था। फिर एहसान दानिश ने अजीब बात लिखी है, कहा बाज़ औक़ात ज़ाती शराफत खानदानी शराफत से बढ़ जाती है। क्या कमाल की बात लिखी है शायर एहसान दानिश। पिछले जुम्मे में कब्रिस्तान में था, हजरत ताहिर बंदगी रहमतुल्लाह के हाँ ऐसे चलते हो, मैंने कहा ये सामने एहसान दानिश है। मैंने पढ़ के उनको हदिया किया, कहा कि बाज़ औक़ात ज़ाती शराफत खानदानी शराफत से बढ़ जाती है। बाज़ औक़ात बंदा कमी कमीन होता है, जिसको हमारे मुआशरे में मुसल्ली कमी कहते हैं, लेकिन उसकी ज़ाती शराफत खानदानी शराफत से बढ़ जाती है। अगर ख्वाजा खुदा बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचे, कुम्हार थे और कुम्हार के बेटे थे, ऐसे नूर दूर से देखा, इस जाती शराफत में बात याद आई, ऐसे दूर से देखा, ऐसे दूर से देखा और दूर से देखा ना तो कहने लगा वाह वाह वाह, कुम्हार का बेटा है लेकिन माथे के ऊपर विलायत सजाए ताज आ रहा है और इसे खुद पता नहीं कि मेरे पास ताजे विलायत है या नहीं है, इसे खुद पता नहीं है। वो जौहरी थे ना, हीरे को समझते थे। शेख महारवी रहमतुल्लाह जौहरी थे, हीरों को समझते थे। ऐसे दूर से फिर आया तो सलाम किया, वालेकुम सलाम, बैठा रहा। जब जाने लगा तो मैं किस लिए आए थे, हजरत कुछ पाने के लिए शफकत फरमा दे। फरमाया तुझे तो अल्लाह ने दिया हुआ है, तेरे चेहरे तेरे माथे के ऊपर मैं नूर विलायत विलायत का ताज देख रहा हूं, इंशाल्लाह रब तुझे अता भी करेगा और रब तुझसे काम भी लेगा और रब तुझे जरिया भी बनाएगा लाखों के। बहावलपुर के साथ आगे छोटा सा शहर कस्बा है, वहां उनकी तुर्बत है, लेकिन एक हकीकत आई और एक वक्त आया कि रब ने उनसे काम लिया और उनको जरिया बनाया और उनके जरिए से लाखों इंसानों के कुलूब दिल हिदायत की तरफ मुतवज्जे हुए। शेखुल अदब मौलाना एजाज अली साहब रहमतुल्लाह अलैह जौलाहे के बेटे थे, जो लाहे के बेटे थे, पर उन्होंने वो काम लिया, वो काम लिया, रहती दुनिया तक उनको शेखुल अदब कहा जाएगा। शेखुल अदब पहले कहा जाता है, एजाज बाद में कहा जाता है, ये एजाज है उनका। अंदर जो रोशन हो गया था, अंदर जो रोशन हो गया था, हम पता क्या होता है, हम चलते चलते कोई नागवारी होती है, किसी ने धक्का दे दिया, किसी ने ताना दे दिया, किसी ने उठा के परे फेंक दिया, उसकी जगह पे खुद आ खिदमत का मौजूद था, एक मौका था तो उसने उसको धक्का दे के एक तरफ कर लिया, खुद खिदमत में लग गया। यही वक्त तो तरक्की का था, तेरी नागवारियों को तोलने का था, तेरी नागवारियों को तोल के तुझे तेज और रैक लगाने का था। यही तो बुझ गया और यही तो हट गया और यही तेरे दिल में वसवसे और शिकवे आए और तो फिर बहुत और दूर चला गया, फिर नई लाइन लग गया, फिर लाइन पे पहुंचा और जब देने का वक्त आया फिर कोई झटका लगा और फिर तो नई लाइन लग गया, जबकि अगर वहीं सह जाता सहम जाता बर्दाश्त करके उसको लबैक कहता, बस यही तरक्कियों का वक्त था। इस दिल को रखे अपने सामने, मैं भी आप भी, इस दिल के ऊपर दम करने से मरीज ठीक होते हैं, इस जिस्म के अंदर के दम करने से लोग ठीक होते हैं। आपका तस्बीह सवा साल से जो पैगाम दे रहा वो यही दे रहा कि अंदर को ठीक करें, ये वजीफा पढ़ के दम करें अंदर को ठीक करें, ये तस्बीह पढ़ें अंदर ही ठीक होता है, ये अमाल करें अंदर ही ठीक होता है, ये सजदे करें अंदर ही ठीक होता है, ये सदका करें अंदर ही ठीक होता है, ये तस्बीह खाना बुनियादी तौर पर साल आ साल ये पैगाम दे रहा, ये पैगाम दे रहा। मेरी तरफ देखते रहिए, जागते रहिए, खासतौर पर टेक वाले हजरत, ये पैगाम दे रहा कि अंदर 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 अंदर, ये तावीज के घोल के तावीज के अंदर जो अल्फाज लिखे हुए कुरानी आयात या अल्लाह के नाम, वो कहते हैं तावीज घोल के पी, पीते ही जिसमें बेहतरी आती है
اندر کا نظام ٹھیک ہوتا ہے، تعویز گلے میں ڈالتے ہی وہ ایک نظام بہتر ہوتا ہے، وہ اندر وہ لفظ وہی کاغذ ہے، جب اس سے لفظ مٹ جاتے ہیں، لفظ مٹ جاتے ہیں، وہ کاغذ کاغذ ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جب اس پہ لفظ آ جاتے ہیں اس کی طاقت اور تاثیر اور ہو جاتی ہے۔ اپنے دن، اپنی صبحیں، اپنی راتیں، اپنی شامیں، اس چیز کو میں آپ پڑھیں، ہمارا اندر کیسے روشن ہو جائے، ہمارے اندر کا انسان کیسے باہر آ کے کہے کہ نہیں زندگی ایک اور بھی ہے۔ اور جب اندر روشن ہوتا ہے باہر کا ساتھ دیتا ہے، اس کی مثال آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے بلا، اس کو پھر سنیے، جب اندر روشن ہوتا ہے باہر کا ساتھ دیتا ہے، کہتا ہے تسبیح خانے کو جانے کو دل نہیں کرتا، جا کیا پڑا ہوا ہے وہاں، برے بلے بول بول گا، گالیاں دے گا، حکیم طارق کو بھی، تسبیح خانے کو بھی۔ جب تیرا اندر روشن ہوتا ہے تو ساری رکاوٹیں، ساری مخالفتوں کے باوجود تیرے قدم تسبیح خانے کی طرف اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ سچ ہے، اندر باہر کا ساتھ دیتا ہے، اب سمجھ آئی؟ جب اندر روشن ہوتا ہے، اندر کا انسان زندہ ہوتا، بندہ اور توانا اور طاقتور ہوتا ہے، یہ باہر کا ساتھ دیتا ہے، پھر اس کے اٹھتے ہیں قدم خیر کی طرف، پھر اس کے اٹھتے ہیں قدم نماز کی طرف، پھر اس کے اٹھتے ہیں قدم تلاوت، تسبیحات اور ذکر اور خیر والی مجالس کی طرف۔ جب اندر ساتھ نہیں دیتا تو کہتا ہے مصلی کے قریب جا کے وہیں بیٹھ جاتا ہوں، وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، مسجد کی دیوار کے ساتھ دیوار ہے، مسجد میں نہیں جا سکتا، پھر بہت باتیں، بہت لفظ، بہت بول، معلوم ہوا اس کا اندر ساتھ نہیں دے رہا، اندر ساتھ نہیں دے رہا۔ کھانا تو منہ نہیں ہے، کہہ رہا میرا دل نہیں چاہ رہا، دل کھاتا ہے کوئی، دل کھاتا ہے یا منہ کھاتا ہے، بتائیں تو سے، نہ سوئے ہوئے بتائیں، مجھے جاگنے والے نہ بتائیں، اب سے سوئے ہوئے بولیں، اندر کھاتا ہے یا منہ کھاتا ہے، ہاں سوئے ہوئے بولیں، کوئی بات نہیں، کہہ کے پھر سو جائیے گا، وہ ہمارا تھا ایک، اس کو عبد الجبار کہتے تھے، ہمارے ایک دوست نے اس کا نام رکھا ہوا تھا شیخ النوم، شیخ النوم کہتے ہیں نیند کو، ایسے یوں گوٹ مار کے ایسے سوتا تھا، سوتا ہوتا تھا، میں پیچھے ہاتھ لگاتا تھا نا، کہتے ہیں ہاں ہاں میں سن رہا ہوں، میں زیادہ ہاتھ لگاتا تو مجھے کہتا ایسے غصے سے، کہہ رہا ہے اے طارق تجھے تو گھر سونے کا موقع ملتا ہے، میں مزدور آدمی ہوں، یہی تو سونے کا موقع ہوتا ہے میرے گھر، یعنی سونے کا موقع وہ ڈھونڈتا یہی ہے۔ تو کیا سوال کیا تھا میں نے، ہاں جی کون سے، جاگنے والے بتائیں کہ دل کھاتا ہے یا منہ کھاتا ہے، کہتے میرا دل نہیں کرتا، کہہ رہے یہ کپڑا پہن لے، کہ میرا دل نہیں کرتا، یہ کھانا کھا لے، دل نہیں کرتا، یہ پانی پی لے، دل نہیں کرتا، کوئی چیز ہے ایسی دل کے ساتھ وابستہ ہے جس کے ساتھ طبیعتیں وابستہ ہیں، ہاں جس کے ساتھ طبیعتیں وابستہ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہی، ان کو دیکھے سے جو منہ پہ آ جاتی ہے رونق، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہی طبیعت ایسے خوشحال ہو جاتی ہے، یہ دل انوکھا نظام ہے اس کا، اس دل کو پڑھیں اور پرکھیں، اس دل کو پڑھیں اور پرکھیں، اس دل کے ساتھ بڑی انوکھی دنیا ہے، اس دل کے ساتھ۔ بعض اوقات مندر کو کسی کو دیکھنے کو دل بہت چاہ رہا ہوتا ہے لیکن آنکھیں نہیں مل سکتی، ہاں اس دل کو پڑھیں اور اس دل کو روح کی لذتیں دیں، اس کے عادی بنائیں، عادی بنائیں، روح کی لذت کا عادی بنائیں۔ میں آپ بچوں سے بیٹھا آمین کرا رہا تھا، ایک دعا کرائی تو آمین، چھوٹا اوم اوم کہہ رہا تھا آمین آمین، میں کہ نہیں آمین، وہ پھر کہے آمین، پھر میں نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آمیم محمد بھی میم اور محمود بھی میم، آمیم، میں کہا یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ کہے آمیم، میں نے کہا ٹھیک کہہ رہا ہے، تو آمیم ہی کہتا رہا ہے، محمد
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और महमूद अल्लाह जल्ल जलालहु। उधर में मीम है और उधर भी मीम है, कहता है आमीम, अल्लाह आएगा तो काम बनेगा और मदीने वाले के आमाल आएंगे तो काम बनेंगे। इस दिल के साथ कोई ऐसे दिल चिपकाया करें जिनके दिल में नूर हो। मैंने अपने मुर्शिद से अर्ज किया, शेख मुझे दिल जैसे आपका दिल है, जैसे आपका दिल है और आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत के तजल्लियात का बौझे और ठाठे मारता हुआ समंदर है, ऐसे भी मैं हो जाऊं कैसे हो सकता हूं। तो फरमाया दोनों हाथों को रगड़, मैंने रगड़ा, फिर फरमाया और रगड़, इतनी गर्मी पैदा हुई, मैंने कहा जी मेरे बस से बाहर है। पर मैं अपने दिल को मेरे दिल के इतना करीब कर, इतना करीब कर, इस दिल के अंदर जो अल्लाह ने दिया है वो तेरे दिल में मुंतकिल हो जाए। और हो जाता है। शाह इलियास रहमतुल्लाह अलैह का बेटा, बाप को तो मिजाजन क्या, बाप कहता था पूछो इससे, यूसुफ से, ये मुझे मुसलमान भी समझता है। और एक दफा चाय महंगी हो गई, वो चाय बहुत पीते थे और तेज पत्ती पीते थे और ये रोकते थे, वालिद रोकते थे और वो चाय से नहीं रुकते थे। चाय हो गई बहुत महंगी, पत्ती महंगी हो गई, चाय की पत्ती, तो उन्होंने सुना कि चाय छोड़ दी। आपने उस दौर में 5 रुपए दिए, 5 रुपए, और फरमान लगे जाके ये यूसुफ को दो और उससे कहो कि चाय ना छोड़, चाय ना छोड़। वो हैरान हो गए, ये क्या कहा, कि यूसुफ से कहो कि उससे कहो चाय ना छोड़। उन्होंने फिर चाय पीना, पूछा कासिद से क्यों फरमाया, फरमाया उसने जो चाय पहले छोड़ी है महंगाई की वजह से छोड़ी है, अब उसको अजर नहीं मिलेगा, अजर नहीं मिलेगा, उससे कहीं पीता रहे। जिस दिन उसके अंदर चाय का जज्बा यह पैदा होगा कि यह फजूल खर्ची है, फिर अजर मिलेगा, लेकिन लिहाजा अब पी। और जब आखिरी वक्त था ना, कहते हैं दिल से नहीं मिलता, आखिरी वक्त था, बाप का मुखालिफ, बाप की निस्बतों का मुखालिफ, बाप का मुखालिफ नहीं, बाप की निस्बतों का, बाप के काम का, बाप की तरतीब का उसे कोई समझ नहीं। कहते हैं आ इलियास, आ यूसुफ, अब हम तो चले। और खुद इतना सा जज्म और उसको दिल पे सीने पे लिटाया और लिटाया और दोनों रोते रहे और रोते रहे और रोते रहे, और ये निस्बत दिल वाली उस दिल में मुंतकिल हो गई और आपस में इत्तहाद हो गया। इसे निस्बत इत्तहादी कहते हैं, एक निस्बत इनकासी होता है, ये इत्तहाद हो गया यानी मुत्तहद हो गए, जैसे तू था अब मैं हो गया। रोते 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 जब सीना दिल से हटा और शेख रुखसत हो गए, अब्बा को दफन कर दिया, रात को सुबह उसी मिंबर पे बेटा बैठा है, अब जिस्म पे बेटे का है और जुबान अब्बा की है, वही बोल है, वही बोल है, वही दर्द है, वही सोच है, वही सोज है, वही साज है, वही कैफ है, वही वजद है, वही विजदान है। दिल से मिलता है, किसी दिल वाले के साथ दिल लगाओ, किसी दिल वाले के साथ दिल जोड़। इसके लिए जरूरी नहीं कि तेरा शेख हर वक्त तेरे करीब बैठा रहे, ना ना, वैस करनी तो देखा ही नहीं था, तुझे किसने कहा है, वैस करनी नहीं तो देखा ही नहीं था, क्या देखा था, बोले ज़ियारत की थी मेरे आका की, उसे तो देखा नहीं था। उमर और अली, हजरत उमर और अली रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन को मैं जाएं उससे जाके दुआ कराएं, देखा ही नहीं था, बिन देखे सौदे किए बैठा था, बिन देखे इश्क में नाजो नियाज में घुला बैठा था, बिन देखे अपनी जिंदगी में रचा बसा बैठा था, बिन देखे वो अपने आप को पिघलाए बैठा था। हाँ, देखना बाज़ औक़ात जरूरी नहीं, बिन देखे ही अंदर अंदर दिल की दुनिया में सब कुछ मिल जाता है। जब इश्क सच्चा हो, विजदान सच्चा हो, जज्बा सच्चा हो, ना गवारियां न हो, बदगुमानियां न हो, शक न हो, वसवसे न हो,
फिर अंदर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। फिर पता चला कि मेरे आका का दांत मुबारक शहीद हुआ, फिर एक दांत तोड़ा, कहा कि क्या पता ये टूटा हो, फिर दूसरा तोड़ा, क्या पता ये टूटा हो, फिर सारे ही दांत तोड़ डाले, क्या पता ये टूटा हो, ये टूटा हो, ये टूटा हो। जब इश्क सच्चा होता है फिर बिन देखे भी वो दिल के अंदर से दिल नूर मुंतकिल हो जाता है। और अगर इश्क सच्चा ना हो, सामने बैठे हुए मुनाफिकीन थे, साथ रहता हुआ अबू जहल बन गया, और हालांकि हालांकि कुर्ब था, कितनी दफा आंखों से आंखें टकराई होंगी, 100 दफा से ज्यादा मेरे आका मदीने वाले अबू जहल के दरवाजे पे गए थे। ईमान ले आओ, इश्क हो तो दोनों बेटियां अबू लहब के बेटों को दो थी मेरे आका ने। कायनात की अजीम हस्तियां मेरे आका की दोनों बेटियां मुबारक, कायनात की अजीम वजूद, मुकद्दस वजूद, वो दी थी निकाह में। उसने बगैर बगैर रुख्सती के दोनों बेटियों को तलाक दे दी। वो भी तो अबू लहब था जो इतना करीब था, जिसको मेरे जिसके दोनों बेटों को मेरे आका ने दोनों बेटियां अपने निकाहों में दे दी, निकाह कर भी दिया। वो भी तो जिस्म था, उसने भी तो देखा था, पर सोच सोच में फर्क, नजर नजर में फर्क, उसने बिन देखे अपने इश्क में इंतहा कर दी, इन्होंने देखे अपने बुग्ज में इंतहा कर दी। अबू जहल ने अपने बुग्ज में इंतहा की, अबू लहब ने अपनी नफरत में इंतहा की, और उलास करने ने अपने इश्क और मोहब्बत में इंतहा की। अबू जहल भी एक नमूना है, उलास करनी भी एक नमूना है। अबू जहल भी कह रहा है कि नफरत सीखनी है तो मुझसे सीख, मैं सारी उम्र नफरत में रहा नऊज़ुबिल्लाह, और आखिरी वक्त में जब मैं नींद मुर्दा हो चुका था और सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला ने मेरा सर कलम कर रहे थे, तो उस वक्त भी नफरत के इंतहा में कहता है जरा सर नीचे करके काटना, सरदारों की गर्दन हमेशा ऊंची होती है। इंतहा है, इंतहा है। फिरौन भी आखिरी वक्त में कहने लगा आमन तो रब्बे मूसा व हारून, में मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया। जब डुबकियां लगी, डुबकियां लगी, कहते मैं ईमान ले आया, अल्लाह ने फरमाया आप तेरा ईमान कबूल नहीं। आखिरी वक्त अबू जहल का, उसके बुग्ज की, उसकी नफरत की इंतहा, कि उसने कहा मेरा सर जरा नीचे करके काटना और एक पैगाम दे देना मोहम्मद को कि आज अब भी मैंने तुझे नहीं माना। अल्लाह अकबर। एक तरफ मैं इश्क देखता हूं वैस करनी का, जिसने बिन देखे अपने सारे दांत तोड़ दिए, और बिन देखे मदीने वाले के साथ इश्क की इंतहा कर दी, और बिन देखे मशीने मदीने वाले को माना, और ऐसे माना कि मदीने वाले के अजीम दोस्तों को फरमाया जाओ उससे जाके दुआ कराना, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अली करम अल्लाह जाके उससे दुआ कराना। और एक तरफ अबू जहल की वो जिंदगी है कि सारी उम्र लड़ता रहा, अब भी बदर में लड़ता लड़ता माज और मावज दो छोटे बच्चों के हाथों मरा, लेकिन मरा नहीं था, और सर कलम करने बंदा गया तो उससे नीम गनूदगी में पूछा कौन, उसने कहा फला, उसने कहा चला जा तू कमी है, मेरा सर कोई बड़े हस नस वाला आए। होय 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 होय। और फिर गए तो उनका कौन, कहा फला, हाँ ठीक है, पर मेरा सर नीचे करके काटना, और कह देना अपने मोहम्मद को, सारे कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रब मेरी मोहम्मद के दुरूद सलाम और बढ़ा दे। 70,000 फरिश्ते आते हैं, 70,000 फरिश्ते जाते हैं, अल्लाह वो दुरूद सलाम की बरकत का हिस्सा मुझे आपको भी अता कर दे। कह देना मैंने आज अभी तक भी आपको नहीं माना। ये अंदर के वजूद पे मेहनत है, इसके लिए जरूरी नहीं जो मैंने अपने मुर्शिद की बात कही है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब भी अपने मुर्शिद की खुशबू में रचा बसा रहता हूं, मैं बकी में जाता हूं कुछ लम्हे बैठा रहता हूं, मुझे मेरे मुर्शिद की खुशबू आती है, मैं बैठा बातें करता रहता हूं, कभी आंसू भी गिर जाते हैं, और फिर कहता हूं मौला तू ही पहुंचाएगा। नमाजों का झटका लेके उठ बैठता हूं कि मुर्शिद की आवाज थी तारिक, ओह एक मखसूस लहजा था जिसमें जलाल था, फिर कहता ना तारिक अब तो
तो अगर मुलाकात क्यामत के दिन हो भी गई तो बड़ी बात है, कि वो तो जन्नत में होंगे, तेरा पता नहीं है, क्योंकि जन्मी और जन्नतियों की मुलाकातें नहीं होगी, जन्नती और जन्नतियों की मुलाकातें होगी, जन्नती और जहन्नमियों की मुलाकातें नहीं होगी। इस तरीके दुनिया को मेहनत कर, मैं भी आप भी, ये अंदर का इंसान जिंदा हो जाए, फिर अल्लाह के नाम की लज्जत मिलेगी, सुरूर मिलेगा। मैं एक साहब के पास जा रहा था, साबरी कवाल की कवाली लगी हुई थी, नहर के खानपुर शहर में, नहर के किनारे हम सुबह की सैर कर रहे थे, कवाली लगी हुई थी एक जगह, और कवाली से पहले उसके एक म्यूजिक का अंदाज है जिसके बाद कवाल बोलता है, पहले म्यूजिक था। मुझे देख के कहने लगे, वाह, कई साल पहले, कई साल पीछे इस म्यूजिक ने मुझे धकेल दिया है, दिल की तारें बजने लग गई हैं। मैं बहुत म्यूजिक सुनता था, पर मैंने अल्लाह से अहद कर लिया, मौला दिल तो खुद ही तूने दिया था ना ऐसा, जिसके अंदर इश्क भी था, हुस्न भी था और हुस्न परस्ती भी थी और म्यूजिक परस्ती भी थी। अब इस दिल को मैंने तेरी तरफ मुतवज्जे किया है, मौला कभी कभी तारे मुझे, जब ये म्यूजिक की तारे मेरी तारों को छूती हैं तो मेरे अंदर बजने लग जाता है, पर तेरा खौफ होता है। मैं फिर अपने आप को संभाल लेता हूं। फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए और खुद ही मुझे कहने लगे क्या इस पर मुझे अल्लाह अजर नहीं देगा, मेरे दिल में म्यूजिक की मोहब्बत अल्लाह ने डाली ना। और फिर कभी कभी म्यूजिक बजता है तो मेरी तारें बजने लग जाती हैं। एक मिरासी था, किसी मस्जिद में इमाम बन गया और वहां सख्ती से मना किया, सख्ती से, कि यहां बारात जो है जब आएगी तो उसमें ढोल वगैरह नहीं होंगे। उन्हें कहा सुभान अल्लाह, कोई पहुंची सरकार आ गई, थोड़ी जख मारे पहुंची सरकार आ गई। तो उन्होंने पाबंदी लगा दी कि इस हजरत कोई आए हैं बड़े, उन्होंने कहा इमाम साहब इस बस्ती में कोई बारात आएगी उसमें ढोल बाजे बजाने नहीं होंगे। तो एक दफा वो बारात आ गई, कोई डाडा बंदा होगा या उन्हें पता नहीं होगा, वो ढोल के साथ जो है वो सारे के सारे रकू में थे और वहीं उन्होंने धमाल शुरू कर दिया। एक साथ थे, उनकी बीवी ने ना, उन्होंने बीवी को सताया, बीवी को बहुत सताया, जी भर के सताया। तो बीवी कहा कि अब उधर से कोई ताकतवर उसके कुछ ससुराल वाले थे, उन्होंने कहा बीवी को मना, उन्होंने कहा बीवी को मना। वो कहने लगा, उन्होंने कहा हमारी शर्त है, उन्होंने कहा मनाता हूं जैसे कहोगे। उन्होंने कहा मिंबर पे खड़े होकर ढोल बजा, मस्जिद में जुमे का दिन हो और मिंबर हो और उसमें खड़े होकर ढोल बजा, फिर हम तुझे माफ करेंगे। गन पॉइंट होगा, कहने लगा करूंगा। अब परेशान है कि मैं क्या करूं, समझ नहीं आती, मैंने कह दिया कि मैं मिंबर पे खड़े होकर ढोल बजाऊंगा और मस्जिद का मिंबर जुमे का दिन था, भी इलाके का मौजूद बड़ा था, चौधरी था, और उससे जो ससुराल वाले थे उससे बड़े चौधरी थे। उन्होंने बीवी अगर बसानी है तो फिर यही शर्त है, मिंबर पर खड़े होकर ढोल बजा। उसने कहा ठीक है। किसी बड़े सियाने ने उसके कान में कोई बात कह दी, जुमे का दिन मिरासी को बुलवाया, ढोल लिया और ढोल लिया, अपने गले में ढोल डाला, सारे देखे हैरान, चौधरी साहब खोल डाले, जुमे में मस्जिद में मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे, कह रहे हट जाओ, हट के ना ढोल करके कहने लगा लोगों बात सुनो, तुम पता है मैं ना मौलवी हूं ना मुझे पता है कुछ दीन का, पर तुम पता है कि ढोल बजाना हराम है। फिर बजाया, कहा इस तरह बजाओ तो हराम समझ गए।
अच्छा फिर और तरह जोर जोर से बजाया, उसने कहा था ढोल बहुत देर बजाना है, ये नहीं ऐसे करना है, अगर इस तरह बजाओ तो हैरान, फिर हाथों से बजाया, कहा इस तरह बजाओ तो हैरान, फिर सर पे उठा के बजाया इस तरह बजाओ, तो पता है ना हराम है, मौल से मजीद मसला आप समझा दो, अस्सलाम वालेकुम, मजीद मसला आप समझा दे, कसम पूरी हो गई, चल भाई, उन्हें कहा तेरा घर बस गया, चल जा, इस तरह बजाए तो हराम, इस तरह बजाए तो क्या कमाल है कि अंदर एक शौक है, मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, शौक है, कहने लगे तार बजीना, ऐसे कवाली की, मुझे कहने लगे अंदर मेरी है, पर अल्लाह से कहता हूं मौला ये अंदर का शौक तो तूने ही दिया था, तूने ही दिया था, जो पैदाइशी है। कल मेरे पास एक मरीज आया, मुझे कहने लगा ये राज है मेरा, किसी को पता नहीं है, मैं मर्द हूं लेकिन अंदर से औरत हूं, मेरा जी चाहता है मैं सुर्खी लगाऊं, पाउडर लगाऊं, मेकअप करूं, मेरी उम्र 39 साल है, मेरे दो बच्चे हैं, मेरी बीवी को खबर नहीं, मेरे ससुराल को खबर नहीं, और मुझे कोई दिलचस्पी औरत से नहीं, कुछ भी नहीं, मेरी दुनिया कुछ और है, मेरी जिंदगी कुछ और है, मैंने नेट पे आपके दर्श सुने, मैं फलां शहर से दूर से चल के आया हूं, और उसके आंसू थे, कहता कुछ हल है कि मैं बदल सकूं, यकीन जानिए मैं कुछ हल है मैं बदल सकूं, 39 साल का हो गया हूं, मैं अंदर से तो औरत हूं, अंदर से औरत हूं, बाहर से मर्द हूं, बीवी है, बच्चे हैं, मेरा तिल मेरे बस में नहीं है, और मेरी यकीन जानिए, मैं फिर रात को बहुत रोया, मैंने कहा मौला तूने कितना कर्म पढ़ाया कि हमें मर्द से मर्द रखा, अगर औरत है तो औरत रखा, मौला इसका दिल तो तेरे बस में है, तूने आजमाइश के तौर पे इसका दिल फेर दिया, अगर हमारा भी ऐसा होता तो हम क्या करते हैं, दिल 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 दिल। मैं बाजुकात उस दिन मैंने अल्लाह को एक चीज दी और एक चीज मनवा ली, मेरा एक मसला था, या अल्लाह मुझे इतने पैसे चाहिए, इस्तेमाल का खर्चा था, मैं कह अल्लाह मुझे दे, मैं अल्लाह को एक चीज दी, मला माल तू जानता है मेरे कुत्ते, मुझे कुत्ते पालने का शौक है, आपके लिए एक नया इंकशाफ है, हकीम तारिक का अपने दिल की बात बता रहा हूं, कुत्ता हो बड़ा सारा हो खोते जितना हो बड़ा मुंह हो उसका खतरनाक किस्म का कुत्ता हो बड़े बड़े कुत्ते हो, मैं असल में जिम्मेदार का बेटा हूं, ताजर का भी हूं, मेरे वाले साहब ताजर भी थे, और जिम्मेदारों वाले शौक पुट्ठे हो बड़ा सारा खतरनाक किस्म के कुत्ते हो, 8-10 कुत्ते हो, को नौकर हो, उनको खिला रहे हो गोश्त हो, फिर मैं उन पे हाथ फेर, ये मेरे तखयलात की दुनिया है, मेरा इमेजिनेशन है, मैं उन पे हाथ फेर रहा हूं, और कोई कुत्ता हो मेरा हाथ चाट रहा हो, कोई मेरी जूती को चाट रहा हो, ये कुत्तों का शौक शुरू से, लेकिन आज तक एक कुत्ता नहीं पाला, और एक कुत्ते पे उसके नाम की मोहब्बत है, एक कुत्ते पे भी तवज्जो नहीं गई, पर एक दिल के अंदर एक जज्बा, जैसे वो कहते हैं मैं अंदर से, लोगों को पता नहीं है, आज मैंने आपको अपना अंदर बता दिया, हकीम तारे का अंदर, हकीम तारे का अंदर, आज तक पता था मेरे अंदर की आपको कैफियत बताऊं, मैं कल मैं गया साथ हमारे चर्च है, वहां के पादरी बड़े अच्छे इंसान हैं, उनसे मिलने के लिए उनके कुत्ते खड़े थे सामने, बड़े बड़े कानों वाले मोटे मोटे कुत्ते, मैंने कहा इसके बच्चे कहां हैं, कह रहे जी बच्चे तो हमने दे दिए, मैंने कहा तूने मुझसे पूछा नहीं मुझे बच्चे देने थे, कि सर आपने बताया नहीं, एंड ये तो आपको दूंगा सर आपने बताया नहीं, एंड हुए तो मैं आपको दूंगा, हमारे यहां GR2 में हमारे होते थे अल्ताफ कमर साहब, उनको किताबों का बड़ा शौक था, एडिशनल IG रिटायर हुए अभी, फेज 8 में रहते हैं लाहौर में, तो उनके घर जाना होता था, तो उनके घर के दरवाजे के ऐसे दाखिल हो तो दाएं बाएं तरफ छोटे छोटे कुत्ते होते थे मिट्टी के बने हुए, उनके अंदर बल्ब लगे हुए होते थे, कुत्ते ना
لگے ہوئے تھے، وہ اس دور کے میرا ان سے تعلق تھا جب وہ ایس پی تھے، ان سے تعلق تھا. مجھے اکثر جب جاتے تھے کہتے تھے کہ دیکھ لیں آپ کا شوق یہ ہے. مجھے میں نے اللہ سے کہا، میں نے کہا مولا تو جانتا ہے مجھے کتوں کا شوق ہے، لیکن آج تک میں نے کتا پالا نہیں. مولا میں نے کتے کو دیکھا نہیں، میں نے کتے کو ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے تیرے مدینے والے نے فرما دیا حرام ہے، ختم، بس ختم. میرے سامنے یہی چیز ہے مولا، میں ایک میرا شوق ہے، ایک تیرے مدینے والے کا شوق ہے. میں نے اپنے شوق کو، اور وہ بھی تو نے دل میں ڈالا تھا، میں تو بے بس تھا، میں نے اپنے شوق کو تیرے مدینے والے کے شوق پہ قربان کر دیا. اب بھی جہاں کوئی کتا دیکھتا ہوں اندر ایک پل کے لیے ایسی کیفیت ہوتی ہے، پھر کہتا ہے نہیں یہ میری زندگی نہیں، یہ میرا میدان نہیں، یہ میرا شوق نہیں، یہ میرا جذبہ نہیں. مولا تو جانتا ہے اگر یہ تیرے لیے، تو جانتا ہے اگر یہ تیرے لیے ہے اور دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں، میں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر یہ تیرے لیے ہے تو پھر میری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، میری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، مجھے در در کا بھکاری نہ بنا. مجھے در در کا محتاج نہ بنا. لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں بہت مالدار ہے، پر تو ہی جانتا ہے، تو میری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما. میں نے تو کتنی دعائیں اس شوق کے طفیل رب سے قبول کرائی، کتنی دعائیں، کتنی دعائیں. میں نے اپنے نانی اما سے پوچھا، اپنے بڑوں سے پوچھا، کوئی ہمارے بڑوں میں کوئی تھا ایسا جو کتے پالتا ہو؟ اللہ کے فضل سے باپ دادا سے خوشحال تھے، انہیں کہا نہیں کوئی ایسا نہیں تھا جو کتے پالتا ہو، جو کتے رکھتا ہو. دل کے اندر ایک شوق تھا، دل کے اندر ایک جذبہ ہے، مولا تو نے ڈالا ہے، اب اس شوق اور جذبے کو تیرے لیے میں نے قربان کر دیا. ایک جوان مجھ سے کہنے لگا، میں گھر کی عید و ضحیٰ کی نماز پڑھ کے گھر کی چھت پہ گیا، لوگ گائے، کوئی بکرا، کوئی اونٹ، کوئی بچیاں ذبح کر رہے، خون بہ رہا، اور میرے پاس کچھ نہیں تھا، ہمارے گھر میں غربت تھی. میں نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا مولا میرے مرشد نے مجھے کہا تھا کہ اگر کوئی چیز بھی نہ ہو، کوئی ایسی چیز قربان کر دو اللہ کے لیے جس سے تجھے محبت ہو. مولا میری ایک فلاں سے محبت تھی، آج میں اس پہ چھری پیرتا ہوں، اس کو قربان کرتا ہوں. کوئی مینڈے، کوئی بکرے، کوئی دمبے، کوئی گائیں، کوئی چیز ذبح کر رہا، اس پہ چھری پیر رہا، مولا آج میں اپنے اس شوق پہ، اپنے اس جذبے پہ چھری پھیر دیتا ہوں، تیری خاطر قربان کر دیتا ہوں، اور آج کے بعد میری وہ محبت ختم. کہا کہ وہ دن اور آج کا دن اس سے پھر محبت نہیں رہی. ان الصلاتی و نسکی، مولا میرا نمازیں، میرا جینا، میرا مرنا بس تیرے لیے ہے. رضیت باللہ ربن، مولا میں تجھے رب، تو رب ہے، میں اس پہ راضی ہوں، اور میں نے راضی ہو گیا اور میں نے قبول کر لیا. اندر کوئی شوق ہے، اندر کوئی جذبہ ہے. میں آج آپ کو اپنی مثال دی ہے، اور میں نے اپنے اس جذبے سے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، نہ ہے، نہ میں نے کتے پالے ہیں، نہ میں نے کتے والوں کو کبھی تقویت دی ہے. میں بلیوں کی خدمت کرتا ہوں، میرے مدینے والے نے بلیوں کی خدمت کی، میں پرندوں کی خدمت کرتا ہوں، میں انسانوں کی ٹوٹی پھوٹی خدمت کرتا ہوں. لنگر چلتا ہے، اللہ کے فضل سے جو لنگر ابھی آپ کھائیں گے اس میں کوئی زکات فطرانہ عشر وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ زکات فطرانہ عشر غریب کھا سکتے ہیں، مالدار تو کھا ہی نہیں سکتا. جو خود زکات فطرانہ عشر دینے والا ہے وہ کیسے کھا سکتا ہے؟ یہ لنگر جو کھا رہے ہیں تسبیح خانے کا، اللہ کے فضل سے اپنا مقدر اللہ نے دیا ہے، اس میں کوئی ایسا مال نہیں. لیکن وہ چیز اندر اندر ہے، اندر. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب اس آخری سانس تھے، آیا ایک غلام آیا، انہیں پتا ہے، اس نے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا. عمر بن عبدالعزیز جب گورنر تھے،
आला पोशाकें होती थी, जब गवर्नर थे खुशबू के कजावे ओंठ उठाते थे, जब गवर्नर थे उनके सूटों के ओंठों की कपड़ों की लाइनें होती थी, जब गवर्नर थे प्यार और मोहब्बत की कहानियां होती थी, जब अमीरुल मोमिनीन बने पौने तीन साल तकरीबन रहे, पौने तीन साल अमीरुल मोमिनीन, फिर यह था कि आखिरी वक्त में कपड़ा पोशाक मैला थी, मैली थी, शहजादे आए, बादशाह की बेटी थी, अब्दुल मलिक की बेटी थी फातिमा उनकी बीवी, कहने लगे बहन कपड़े तो बदल लेती, कहने लगे यह एक ही चोला है, उतारती हूं धो लेती हूं, कई दिन से बीमार है, उतारने का मौका नहीं मिला। तो वो गुलाम आया, उसने आके एक औरत का नाम लिया, लौंडी थी, उस दौर में लौंडियां हलाल, कोई रखेल दाश्ता अफेयर नहीं था, लौंडी, उससे मोहब्बत थी, तो उसका नाम लिया, तो देख के कहने लगे, तो उसने कहा उससे मोहब्बत, कहा पहले से कहीं ज्यादा। जवाब क्या दिया? पहले से कहीं ज्यादा। तो कहा फिर? कहा जब से उसकी राहें देखी हैं, वो मोहब्बत अंदर मौजूद है, लेकिन उस करीम की मोहब्बत ने सारी मोहब्बतों पे पानी, लफ्ज पानी मैं कह रहा हूं वो लफ्ज कोई और है, यानी गालिब कर दिया अल्लाह की मोहब्बत उन मोहब्बतों के, जिसको मैं अक्सर शेर में एक बात कहा करता हूं, मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जत इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया। अब कोई एतराज करने वाला कहे कि हकीम तारिक तो कुत्तों का शौक है, तो कह सकता है, लेकिन वो मेरी बात पहली कोड करे और दूसरी कोड ना करे। हकीम तारिक कहते हैं मुझे तो ये शौक है, मैं कहता हूं ये मिसाल मैंने अपनी दी है और दे के फिर आपको बताया है कि आपके दिल में कोई शौक है, कोई जज्बा है, कोई हराम का या किसी चीज का, इस जज्बे के होते हुए वो हराम को मैंने पूरा नहीं किया, अब उस जज्बे को अल्लाह की बारगाह में पेश किया कि मौला ये जज्बा है तू जानता है, पर तेरी रजा की खातिर, तेरी खातिर मैं इस जज्बे को तेरे लिए कुर्बान करता हूं। अल्लाह बड़ा करीम भी है और अल्लाह बड़ा गयूर भी है, और अल्लाह हक वालों को हक देने वाला है, अल्लाह किसी का हक ना मारने वाला है ना हक रखने वाला है, मेरा रब उसके बदले में दुनिया की बरकतें, राहतें, खुशियां, कामयाबियां, और तो उस वक्त जो अल्लाह से जरूरत मांग तेरी, अल्लाह उस वक्त जरूरत पूरी करता है, मेरा रब जानता है। 39 साल का जवान दो बच्चों वाला कहता है मेरे अंदर को बदल दे, मैं क्या करूं, मेरे अंदर को बदल दे, मेरा जी चाहता है वो सब कुछ हो जो औरत हो, वो सब कुछ हो, मेरे अंदर को बदल दे, मैं बेबस हूं। इस बेबसी की कैफियत में जब इंसान पूरी कुर्बानियां देता है, पूरी मिन्नत और मेहनत करते हैं अपने मन पे तन पे, इसका रब बड़ा कदरदान है, रब बड़ा कदरदान है, रब बड़ा कदरदान है, रब बड़ा कदरदान है, अल्लाह वालो कदरदान है, हां मेरा रब बहुत कदरदान है। कुछ फैसले मुझे आपको करने होंगे इस दिल के लिए, उजड़े दिल को आबाद कर, कर घन अमल अज वक्त है, ए तेरा नाजिक बदन थी सी जमी अंदर दफन, पोशाक हो सी तेरा कफन, कर घन अमल अज वक्त है। इस दिल के लिए कुछ करना होगा, ये दिल की चाहतें, इसी को मैं शेर में कहता हूं कि आरजूएं खून हो या हसरतें पामाल हो, आरजू है ना, कुत्ता हो मोटे सर का, बड़े बड़े कानों वाला, बड़े बड़े वजूद वाला, और मोटा नाक हो, खतरनाक चेहरा हो, और फिर चले तो जमीन हिले इतना भारी हो, उसको कोई गोश्त खिला रहा, कोई उसकी मालिश कर रहा, कोई उसको खिदमत कर रहा, आए मेरा हाथ चाटे, मुझसे प्यार करे, मेरा पांव चाटे और मेरे सामने रहे, एक ये मेरे मन में थी बड़ी चाहते, एक ये आरजू है खून हो या हसरतें, ये आरजू है लेकिन खून हुई, खून हुई नहीं मौला ना, मेरे सामने तेरी तेरा हुक्म है, मेरे सामने तेरा हुक्म है। वो कुत्तों से मोहब्बत का जज्बा था,
میں نے مولا تیرے بندوں سے محبت کرنا شروع کر دی، تیرے بندوں کی محبت کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، وہ جذبہ بدلا اور تیرے بندوں سے محبت ہے کہ اللہ ان کے گھر آباد کر دے، ایسے اعمال دوں، ان کی زندگی آباد کر دے، ایسے اعمال پھیلاؤں، ان کو خوشیاں لوٹا دے، ایسے اعمال دوں، ایسے ٹوٹکے دوں، روحانی طبی، ان کی نسلیں شاد و آباد ہو جائیں، اللہ ان کے رزق کی تنگیاں دور ہو جائیں، ایسے اعمال اور ایسے یہ مخلوق سے محبت، وہ جذبہ بدلا، کنورٹ ہوا، وہ جو ادھر جانا تھا وہ سارا ادھر آ گیا، اور ادھر آتے ہی رب نے مخلوق خدا کا ٹھٹے مارتا ہوا ایک نظام دے دیا، ٹھٹ کے ٹھٹ دے دیے، وہ جذبہ تھا جس جذبے کے اندر کتے تھے۔ ہاں، حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ، ایک شیدانی شریف جگہ ہے، وہاں کالمیے ہوتے تھے، اللہ ان کے درجے بلند کرے، فوت ہو گئے، کتے پالتے تھے، خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے خاندان میں سے تھے، کتے بہت بڑے بڑے پالے ہو گئے، اللہ والوں کا انداز دیکھے، حضرت قریب سے گزرے تو وہ دوڑ کے آیا، حضرت تشریف لائے، اور ایک دفعہ حضرت نے خود جا کے ان کے ملے، تو جب ملے نا وہ کہنے لگا سہی ماتا کتے پالی کھانا، میری کیا اوقات، فرمانے لگے، حضرت فرمانے لگے فقیرا سارے دن تا یہ ایک کتا نہیں جھلی دا تو سارے کتے جھلی کھڑی، اپنے من اور نفس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، حضرت فرمانے لگے ہم سے تو یہ ایک ہی کتا نہیں بندھا جاتا، تو نے تو اتنے کتے باندھے ہوئے ہیں، پھر تو واقعی تو ہم سے اونچا ہوا۔ اللہ والوں کا انداز دیکھیں، اس طریقے پر محنت کریں، اس دل کو بیٹھ بیٹھ کے تولیں، دل سے پوچھیں ہاں بتا تیرے شوق کیا کیا ہیں، آج بتا، پھر لکھتا جا، میرے یہ شوق ہیں، میرے یہ شوق ہیں، میرے یہ شوق ہیں، اچھا سب سے بڑا بتا دل تیرا شوق کیا ہے، پھر دل بولے گا کہ میرے یہ شوق ہیں، پھر اس کے شوق لکھ، پھر دل سے بیٹھ کے باتیں کر۔ جا رہے تھے، سخت گرمی تھی، سامنے ہب ہب تھا، ہب ہب کہتے ہیں تربوز کو، دل کہتا ہے تربوز کھا لے، کہنے لگے کیسے کھائے گا، پیسے ہی نہیں ہے جیب میں، چھوٹا موٹا کرایہ رکھا ہوا ہے، وہ جانا ہے، وہ کہنے لگے نہیں، دل بڑا چاہ رہا، گرمی ہے اور تربوز بھی بڑا ٹھنڈا اور میٹھا ہے، بڑا لذیذ ہے، کھا لے۔ پھر اپنے دل کے ساتھ ایسی کشمکش کرتے 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 کہنے لگا اچھا ایسے کر، تربوز جو ہے وہ ادھار لے لے، تو معزز آدمی ہے، تیری ادھار تجھے دے دیں گے۔ پھر کہنے لگا ویسے ادھار اچھی بات نہیں، یہ اپنے دل سے باتیں کر رہا، اپنے دل سے ادھار اچھی بات نہیں، پھر آخر کر کہنے لگا دل تو ہی ادھار کر لو، وہ دے نہ دے پھر کھا لیں گے، دل تو ہی ادھار کر لے، وہ دے نہ دے چلو پھر کھا لیں گے۔ پھر چل پڑے، دل کو ایسے منائیں، دل کو ایسے سمجھائیں، دل کو ایسے بہلائیں، صحابہ بہلاتے تھے، صحابہ بہلاتے تھے، ہاں گوشت کا ٹکڑا، خوش گوشت کا ٹکڑا کھا رہے، اور آواز لگی اسلام کا جھنڈا گرنے کو ہے۔ اس دور میں لشکر میں جھنڈا اونچا ہوتا تھا تو مجاہدین جھنڈے کو دیکھ کے کہتے تھے ہم فتح میں ہیں، یوں جھنڈا گرا پاؤں اکھڑ جاتے تھے، ہوا ختم ہو جاتی تھی، طاقتیں پسپا ہو جاتی تھی، اسلام کا جھنڈا گرنے کو ہے، یہ خشک جو گوشت کھا رہے ہیں، کہتے ہیں او گرنے کو ہے، جھنڈا ہل رہا ہے، کہ معلوم ہوتا ہے کہ جھنڈے اٹھانے والے کا ایک ہاتھ کٹ چکا ہے، دوسرے ہاتھ سے وہ بڑی کمزوری سے اور باطل اس کو گرانے پہ ہے، تو ایک دم گوشت کا ٹکڑا پھینکا اور کہا چل۔ پھر اندر بولا، کہنے لگا اچھا مجھے روکتا ہے، اگر بیویوں کا تیرے دل میں جذبہ ہے تو جا ساری بیویوں کو تین طلاقیں، اگر مال کا جذبہ ہے سارا مال صدقہ ہدیہ، اور اگر غلاموں کا جذبہ ہے تو جا سارے غلام میں نے آزاد کر دیے، اب بتا بچا کیا۔ دل کو سمجھا رہے صحابہ اہل بیت، دل کو سمجھا رہے، دل کو سمجھا رہے، جیسے تربوز والا دل کو سمجھا رہا، صحابہ دل کو سمجھا رہے، بیویاں سب طلاق، مال سب صدقہ، اور غلام سب آزاد، کہا بچا چل، اور گئے اور اللہ کی راہ میں جان دے دی۔ اس دل کو سمجھانا پڑے گا، اس دل کو بہلانا پڑے گا، یہ بہل بہل کہیں پھر بہل جائے گا، اس دل کو بہلانا پڑے گا۔ میں اپنے بچوں سے نا بہلا بہلا کے دعائیں کرواتا ہوں،
पहला हक है। मैं रात बच्चों को तेल लगा रहा था, उनके सर को तेल लगाता हूं, मालिश करता हूं, आप बच्चों को वक्त देते हैं? होगा तो देंगे, घर जल्दी पहुंचेंगे तो देंगे, मोबाइल बंद करेंगे, आफत ज्यादा चीज। और वो जो अंदर जिसके बंदा बोल रहा, वो एक डब्बा होता है जिसको स्क्रीन कहते हैं, एलसीडी कहते हैं, वो बंद होगा तो बोलेंगे। अच्छा, मैं तेल लगा रहा, तेल लगा के ना उन ढाई साल का तकरीबन उसके पाव की हथेलियों को तेल लगाते लगाते मैंने उसके पाव को मुंह पे मलना शुरू कर दिया, फिर उसके पाव के आंखों पे डाला। मैंने कहा, सही, इन पाव ने तो कभी गुनाह देखे ही नहीं, इन पाव ने तो कभी गुनाह सोचा ही नहीं, इन पाव ने तो कभी नाफरमानी का गुमान ही नहीं किया। सही, इस चेहरे को दुनिया आखरत की जिल्लतों से बचा, जहन्नम की आग से बचा, इन मासूम पाओ की वजह से। फिर उनके सारे मासूम पाओ और सर पे जो तगा मेरे तेल था, मैंने मुंह पे मल दिया। इस दिल को बहलाना पड़ेगा, किसी राहें दिखानी पड़ेंगी। ये दिल, ऐ दिल, तुझे दुश्मन की भी पहचान कहां है? तू हल्के यारा में जरा मोहतात रहा कर, खाबीदा परिंदों को दरख्तों से उड़ा कर, मैंने ही तो कहा था मेरे दिल में रहा कर। वो मिल भी गया, मिट भी गया मौजे हवा में, अब रेत पे सिर्फ मेरा नाम लिखा कर। आपका दिल आपके हाथ में है, आपका दिल आपकी जिंदगी में है, तो फिर वजीफा यू जाके असर करेगा। मुझे एक साहब कहने लगे, मैंने मैथ वाली कॉपी ली, जो मैंने अमल बताया हुआ है आपको, जिसके हर खाने में या अल्लाह लिखना है। कहने लगे, मैंने कहा ये पूरी कॉपी मैंने अपने दिल के लिए, कि दिल अल्लाह की जात की तरफ मुतवज्जे हो जाए और दिल मदीने वाले से की तरफ माइल हो जाए और दिल अल्लाह की तरफ ऐसा मुतवज्जे हो कि मेरे दिल की दुनिया बदल जाए, मेरे मन की दुनिया बदल जाए, मेरी सोचों की दुनिया बदल जाए, मेरे जज्बों की दुनिया बदल जाए, मेरे विजदान की दुनिया बदल जाए, मेरे शौक की दुनिया बदल जाए, मेरे रिवाज की दुनिया बदल जाए, मेरे सोहो साज की दुनिया बदल जाए। कहने लगे, मैंने इस तसव्वुर के साथ कॉपी लिखी पूरी, रोज एक सफा, दो सफे, तीन सफे, जितने भी हैं, लिखता रहा, लिखता रहा, लिखता रहा, और हर लफ्ज के लिखते हुए मैं अल्लाह को ऐसे जैसे दरखास्त एप्लीकेशन लिख रहा हूं, लिखता रहा, लिखता रहा, लिखता रहा, और लिखते 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 का जब कॉपी हुई बंद, मैंने उसको दिल पे रख के अल्लाह से रो रो के दुआ मांगी। मौला तू जानता है, मैंने रोटी के लिए, रोजी के लिए, रिस्क के लिए, दौलत के लिए, माल के लिए, तरक्की के लिए, इक्तदार के लिए, हुस्नो जमाल के लिए, किसी मुराद दुनिया की ख्वाहिश मुराद के लिए, किसी के लिए नहीं लिखी ये एक कॉपी। और हर कॉपी के हर हर्फ में तेरा ध्यान, तेरी जात का ताल्लुक, तेरी जात का विजदान मैंने इसलिए लिखा, मौला इस दिल को आबाद कर दे। कहने लगा कि वो एक कॉपी मेरी काफी हो गई। उसको ऐसे मैंने जज्बे से, अल्लाह की बरकत रहमत से लिखा, एक कॉपी काफी हो गई, अब मेरा दिल है जो हवाओं में उड़ता उड़ता फिरता है। कहने लगे, आप मेरे मुर्शिद और पीर और शेख हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं आप मेरा दिल पढ़ लें, मैं सच कह रहा हूं, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल रहा, मेरा दिल दूहों का दिल पढ़ लेता है, मेरा दिल झूठ देख लेता है, मेरा दिल धोखे देख लेता है, फरेब देख लेता है। और कहने लगे, एक दफा मैं सामान लेने गया, रात का वक्त था, रात का वक्त था, मैंने कहा मुझे फल दे दे। उसने रात के वक्त में शापर में सारे गले फल उठा के डाल के तोल के दे दिए। मैंने उसे कहा कि इसमें इतने फल गले हुए हैं, इतने साफ हैं। उसने कहा, नहीं सारे साफ हैं। कहने का हैं, उसके तराजू के अंदर मैंने डाला, उतने ही थे। मैंने कहा तुझे, मुझे कहने लगा बाबा जी दुआ कर देना। कहा मैं सारे फल ले आया, कि गरीब से कोई बात नहीं, मैं ले आया, पर उसे मैंने कहा फल मैंने पढ़ लिए। और कहा, मुझे कहने लगा, मैं तस्बीह खाने में आता हूं तो बाज चेहरे मुझे इंसान बाज अजीब नजर आते हैं, मैं क्या करूं, मुझे शर्म आती है। हां, कहने लगे मैं बाजार में जा रहा था,
बाजार में जा रहा था, दरवेश मिले, मुझे देख के अपनी टोपी पगड़ी उतार के मेरे सर पे रख दी। उनकी पगड़ी मेरे सर पे आते ही बाजार में मुझे कोई कुत्ता, कोई खिंजीर, कोई बंदर नजर आता था, जिसे कुरान कहता है, जब इंसान ईमान अमाल की जिंदगी से, मदीने वाले के इश्क और मोहब्बत से हट जाता है, वो इंसान नहीं जानवर, उलाइका कल अनाम बलहम अजल, वो जानवर से बदतर हो जाता है। फिर उन्होंने पगड़ी मेरी उतार के अपने सर पर रखी, तो फिर मैं देखूं सब कुछ वही मंजर है जो जमाना देख रहा, वही मैं देख रहा, वही आंखें, वही मंजर, वही सब कुछ। इस दिल पे मेहनत, इस दिल पे कोशिश, सारे औलिया, सारे नौलिया, सारे अल्लाह के वली, कुतुब, अब्दाल, गौस, कलंदर, नकीब, नजीब, अबरार, जितने भी थे, वो सारे के सारे इस दिल को लेके चल रहे थे। और जब दिल नूरानी हो जाएगा, रूहानी हो जाएगा, फिर दुआएं ऐसे कबूल होंगी, ऐसे हाथ उठाएंगे, बस फिर ऐसे हाथ उठाएंगे, दुआएं ऐसे कबूल होंगे, ऐसे दुआएं, ऐसे दुआएं, बस। और फिर ये तीन तस्बीह पड़ेगा सिर्फ अल्लाह अकबर की, सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, सारी बीमारियां पल में ठीक हो जाएंगे। तीन तस्बीह अव्वल आखिर, तीन दफा, पांच दफा, सात दफा दुरूद शरीफ, सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। बहुत बड़ा अमल है। क्यों? अल्लाह अकबर का ताल्लुक खालिस दिल के साथ है, खालिस दिल के साथ है। ये इसका नूर जाके दिल पे असर करता है। तीन तस्बीहां सुबह, तीन तस्बीहां शाम पढ़ ले, जो लाइलाज बीमारी है वो तेरी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। क्यों? हदीस में आता है, जब बंदा एक दफा अल्लाह अकबर पढ़ता है, एक ऊंट के जबह करने का सवाब मिलता है, और जो 100 दफा अल्लाह अकबर पढ़ता है, 100 ऊंट के जबह करने का सवाब मिलता है, और जो 300 दफा अल्लाह अकबर पढ़ता है, 300 ऊंट जबह करके सदका करने का सवाब मिलता है। आपके बीमार हो तो सदका करते हैं, बीमार हो तो बकरे गोश्त सदका करते हैं, ऊंट का सदका सबसे बड़ा सदका है, ऊंट का सदका सबसे बड़ा सदका है। माली सदका भी दें, अमाल का सदका भी करें, जेब का सदका भी दें, अमाल का सदका भी करें। मैंने कितने आबाप को बताया और कितने अरसे से बता रहा हूं, इस दिल के लिए पढ़ लिया करें। बोला ये दिल मरीज है, ये दिल मरीज है। अगर दिल का हार्ट का कोई मसला हो, उसके वाल बंद हो, या दिल का दौरा है, या दिल का दौरा पढ़ने का खतरा है, इस दिल के लिए भी पढ़ सकते हैं। ये दिल मरीज है, ये दिल मरीज है। दिल का इलाज सोचें, जब दिल का इलाज सोचेंगे तो दुनिया, माल, दौलत, चीजें खुद ब खुद चली आएंगी। अल्लाह पाक गैब से बरकतों के खजाने आपके ऊपर लुटा देगा, फिर कहेंगे कहीं से आ रहा, समझ नहीं आ रही। लेकिन इससे पहले दिल का इलाज सोचें, दिल को सोचें, दिल का इलाज सोचें। मैं हकीकतों को आपको अर्ज कर रहा हूं, और इसके लिए तीन तस्बीह अल्लाह अकबर की पढ़ लें, कोई 10 मिनट लगते हैं सारे, तीन तस्बीह अल्लाह अकबर की पढ़ लें, दिल आबाद हो जाएगा। वैसे ही यह अमल मैंने आपको कई दफा बताया, पता है ना आपको, जिनको तीन तस्बीह अल्लाह अकबर के फायदों का पता नहीं, वो हाथ खड़ा करें, सिर्फ वही हाथ खड़ा करें, अब हाथ नीचे गिराएं, फिर मेरी बात आप असल में समझे नहीं। तीन तस्बीह अल्लाह अकबर पढ़ने के फायदे मैंने अपने दर्स में बताए थे, तीन तस्बीह अल्लाह अकबर के फायदे मैंने दर्स में बताए थे, जिनको पता नहीं अब वो हाथ खड़ा करें, बहुत सारे हैं, बल्कि आधे से ज्यादा हैं। पता नहीं जिनको पता होता है वो फिर उमजमा बदलता रहता, लगता ही है हमारे यहां, महसूस करता हूं मजमा हमारे यहां बदलता रहता है, नया नया मजमा आता रहता है। अब ये नए तो है जिनको पता नहीं। तीन तस्बीह हदीस में आता है, एक दफा अल्लाह अकबर पढ़े, जैसे मैंने अर्ज किया, एक ऊंट सदका करने का सवाब, एक ऊंट सदका करने का सवाब, और सदका करें, बांट दें और कबूल हो जाए, इसका सवाब मिलेगा। आप जब बीमार होते हैं, आपका कोई मरीज, तो उसके लिए ऊंट सदका करते हैं, बकरा करते हैं, गाय करते हैं, या पैसे देते हैं, और ऊंट का सदका सबसे बेहतरीन सदका है, सबसे लाजवाब सदका है।
جانی صدقہ بھی کریں، مالی بھی کریں، اور ساتھ اعمال کے اعتبار سے تین تسبیح صبح تین تسبیح شام۔ اور اس کا واقعہ میں بتاتا رہتا ہوں۔ ایک درویش تھے، دایا جی کہتے تھے مجھے بخار ہو گیا، مجھ سے کہنے لگے تین تسبیح صبح تین تسبیح شام اللہ اکبر کی پڑھ اور تصور کر کہ میں نے یہ صدقہ کیا، صدقہ کیا 300 اونٹ کا صدقہ کیا صبح، اور 300 اونٹ کا صدقہ شام کو کیا۔ تین تسبیح صبح تین تسبیح شام، اول آخر تین بار، پانچ بار، سات بار درود پاک کر تو۔ جب یہ صدقہ شروع کیا میں ٹھیک ہو گیا۔ اس دن سے یہ بات کوئی ہے میرے خیال میں 81-82 کی اندازہ ہے، 81 سے پہلے کی ہوگی۔ اس دن سے میں مسلسل لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ کتنے سال ہو گئے 81-82 کو؟ ہے جی 34-35-36 سال ہو گئے۔ اس دن سے بتا رہا ہوں۔ میں نے ایک بندے سے کہا، عجیب بات بتاؤ، مجھ سے کہنے لگا مجھے ولایت چاہیے صرف، بس اس کے لیے مجھے کوئی چیز بتا دے۔ میں وقت کا جنید بغدادی، وقت کا حضرت پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بننا چاہتا ہوں۔ میں پتہ نہیں کیا دل میں اللہ نے ڈالا، میں نے کہا تین تسبیح صبح شام اللہ اکبر کے پڑھ، اور اللہ سے عرض کر کے مولا صدقہ بلاؤں کا رد ہے، اور صدقہ برائی کے ستر دروازے بند کرتا ہے۔ میری بات ذرا غور سے سمجھے، باریک بات ہے۔ گناہ برائی کے صدقہ کتنے دروازے بند کرتا ہے؟ 70 دروازے۔ اور گناہ نہ کرنے کو ولایت کہتے ہیں، گناہ سے بچنے کو ولایت کہتے ہیں، اور اگر خطا ہو جائے تو اس پہ رو کے جب تک معافی تلافی نہ ہو جائے اس کو ولایت کہتے ہیں۔ تقوی کو ولایت کہتے ہیں، اور تقوی کرنے کا نام نہیں، نہ کرنے کا نام ہے۔ عبادت کرنے کو تقوی نہیں کہتے، گناہوں سے بدکاری سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ میں نے کہا اس نیت سے کر مولا، یہ کتنی بڑی نیت ہے، آپ بھی ذرا سن لیجئے، چوکنے ہو کے سوتے ہوئے جاگ جائیں، چوکنے ہو کے سن لیجئے کہ مولا اسے نیت کر۔ کیا؟ اب سنیے کہ مولا تیرے حبیب کا فرمان ہے، مفہوم ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ مولا میں اگر ایک اونٹ کا صدقہ کروں روزانہ اور 300 اونٹ کر دوں، مجھے یقین ہے کہ تو چاہے تو ایک اونٹ میں میرا کام بنا دے۔ مولا میں 300 اونٹ صبح صدقہ کر رہا ہوں اور 300 اونٹ شام صدقہ کر رہا ہوں، مولا برائیوں کے 70 دروازے میرے لیے بند کر دے اور خیر کے 70 دروازے میرے لیے کھول دے۔ کتنا عجیب فلسفہ ہے، کتنی عجیب سوچ ہے کہ گناہوں کے 70 دروازے میرے لیے بند کر دیں اور نیکیوں کے خیر کے 70 دروازے میرے لیے کھول دیں۔ اس نیت سے کر۔ اور میں نے کہا ایک سال پورا کر، ایک سال پورا کر، ہاں ایک سال پورا کر کے پھر میرے پاس آ۔ تھا پاگل کوئی دیوانہ، اور میرے پاس آتا ہے ایک پاگل دیوانہ، کہنے لگے میں حمزاد کا مجھے شوق ہے۔ پھر خود ہی کہا، کہنے لگے میں نے کتاب میں پڑھا، گھر میں علیحدہ ایک کمرہ بنایا کچا صحن میں، پھر تسبیح پڑھنے بیٹھا۔ تین دن گزرے تھے تو شک ہوا کہ میں نے تسبیح جتنی پڑھنی تھی، جو ذکر کرنا تھا وہ تو نہیں کیا۔ پھر میں چھوڑ کے گیا، کتاب چیک کی تو واقعی تسبیح وہ نہیں تھی، پھر شروع کیا۔ پھر 5-7 دنوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد احساس ہوا کہ انہوں نے تو رخ کہیں اور کہا تھا، دیکھا میرا رخ کوئی اور تھا۔ پھر شروع کیا۔ احمد موٹا ہنس رہا ہے، کانوں میں آواز پڑ رہی ہے، تیرے کان کا ہونٹ نیچا کو ڈاڑھا پٹوائی تھا۔ ظالم کیا تیرا میں بہ رہا ہوں، ایسے کہتا تھا میں بہت، اور بڑا کانفیڈنس تھا اس میں، ایسے بالکل ریلیکس ہو کے کھڑا ہوتا تھا۔ مینوں کچھ نہیں سندا تیری کان، مینوں کچھ نہیں سندا، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں یہاں بیٹھا ہوتا تھا وہاں ہنس رہا، جیسے ابھی ہنسا ظالم، میں یہاں بیٹھا ہوتا تھا وہاں ہنستا، میں کہ یا کریم ساتھ بیٹھے ہوئے تو یہ کہتا ہے مجھے سنائی نہیں دیتا، یہاں بیٹھا وہ پانچویں سٹی ساتویں صف میں بیٹھا ہے کہ یہ ہنس رہا ہے،
मैंने कहा आज के बाद इंसान मन खींच के रखे दो, अब ठीक हो गया हूं। कभी कभी मुर्शिद की मार भी सादत होती है। मेरे मुर्शिद तो जब भी मुझे लगे मुझे तो बहुत मिला, पता नहीं किसी की तौहीन हो जाए तो और बात है। मैं उस दिन तो क्या बात कर रहा था, कल की बात है, मैंने एक सांप को देखा, उसने कहा जी आपका टाइम नहीं है। बड़े गुस्से से उसको यूं देखा, फिर यूं देखा। मैंने कहा वाह। उन्होंने कहा राजी हमारा तू कौन है, कोई हमें रोक सकता है? फिर बोलने में देखा तो रोक ही कुछ और था। अच्छा उन्होंने कहा अब कुछ चीज नहीं भूलूंगा, हर चीज सोच समझ के बैठ के मैं गया और मैंने हमजात का चिल्ला शुरू किया, बैठा और पढ़ते 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 तस्वीर तस्वीर पढ़ते पढ़ते एक और ख्याल आ गया। कहने लगा वो ख्याल ये आया कि मैं तो नापाक हूं, मैं तो नापाक हूं। फिर कहने लगा पक्का हो गया, फिर शुरू किया। फिर आखिरी दिन जब था, आखिरी दिन मैंने अपने पीछे चिराग जल रहा था, अपना साया था और साये की गर्दन पे देख के मैं पढ़ रहा था। एक बड़ा सारा कन खजूरा उसी साये के आगे दीवार के ऊपर चलता हुआ आया, ऐसे चलता जा रहा। एकदम मेरे अंदर आया अगर ये यूं दीवार से नीचे गिरेगा तो मेरे मेरी गोद में आ जाएगा। एकदम मैंने उठा के ना मेरे चीज को, चीज पड़ी थी वो दी, मारी, देखा तो कुछ भी नहीं था। तो लेकिन सारी कहानी मेरी खत्म हो गई वहीं का। आखिरी दिन था, कन खजूरा था ही नहीं, तो कन खजूरा था ही नहीं, तो क्या बात कर रहा था। मैंने कहा साल के बाद आना था दीवाना, ऐसे ही ऐसे दीवाना था। साल के बाद आना, जब साल के बाद मेरे पास आया तो मैंने कहा हाल सुना। लेकिन ये कोई वक्त ऐसा नहीं कि मैंने जमान और मकान की कैद ना की हो, एक ही जगह एक ही वक्त एक ही जगह। लेकिन कोई ना भी करे तो इसके लिए जरूरी नहीं है, ये मैं आपको रियायत दे रहा हूं। कहने मैंने ये और तसव्वुर यही रखा कि मौला तेरे मदीने वाले का फरमान है जो एक दफा एक दफा एक दफा क्या पढ़े, अल्लाह अकबर पढ़े तो एक ओंठ जबह करने का सवाब, सदका करने का सवाब मिलता है, सदका करने का सवाब मिलता है। और मौला तेरे हबीब का दूसरा फरमान यह भी है कि सदका बलाओं के नहीं इसके बुराइयों के 70 दरवाजे बंद कर देता है। मौला 70 दरवाजे मेरे लिए बुराइयों के बंद कर दे और 70 दरवाजे खैर के खोल दे, मुझे अपने दोस्तों में शामिल कर ले। वो कहने लगे मैं ये गिड़गिड़ा के पढ़ता था, जहां 10 मिनट लगने थे मैं 20 मिनट लगाता था और गिड़गिड़ा के पढ़ता था, पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। कहने लगे मुझे कोई ख्वाब नहीं आया, मेरे ख्याल में था कोई ख्वाब आएगा, पूरे साल में कोई ख्वाब नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन साल में आखिरी दिन में जब मेरे 9 दिन बाकी रहते थे, 9 दिन बाकी, मैं जहां भी होता था, जहां जिस जगह भी होता था, मैं अमल नहीं छोड़ता था। 9 दिन बाकी, ये जमान और मकान, आप मेरी बात को वजाहत कर दो। आप कहेंगे चलो वक्त तो वही है, जगह तो वही नहीं, आप अभी आप कह रहे हैं जगह वही है, अभी आप कहते हैं जहां भी होता था। इसके लिए ना एक रुमाल रख लिया जाता है, एक मैं गुर बताता हूं। रुमाल जो आदमी कंधे पे रखते हैं ना, वो रुमाल रख लिया जाता है, वो रुमाल बिछा के रोज उस रुमाल में पढ़ें, उस रुमाल के ऊपर पढ़ें, या एक जाय नमाज रख लें रोज उसी जाय नमाज पे, या रुमाल या कोई कपड़ा, रोज उसी जाय नमाज उसी रुमाल पे रख के पढ़ें। और अगर बिलफर्ज किसी और इलाके किसी और वतन किसी और जगह पे जाना हो, वो कपड़ा जाय नमाज साथ हो, वहां रख के पढ़ लो, वही मकाम शुमार हो जाएगा, वक्त वही हो जगह वही शुमार हो जाएगी। अब समझ गए, ये सहूलत पैकेज है, ये सहूलत है। तो कहने लगे जब 9 दिन बाकी थे, अब गौर से सुनिएगा, मेरे रब अल्लाह अकबर का कमाल, अल्लाह अकबर। क्यों? सारी कायनात के राजों में से इसमें जात जो अल्लाह है ना,
ہیں اللہ ساری کائنات کے رازوں میں سے اس میں ذات جو اللہ ہے اس سے بڑی کائنات میں کوئی راز نہیں ہے. میرے اللہ کا ذاتی نام ہے, میرے اللہ کا ذاتی نام, اس سے بڑا کوئی راز نہیں ہے کائنات میں. کہنے لگے جب 9 دن باقی تھے, 9 دن, تو 9ویں دن میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر کوئی ایسے احساس ہو رہا جیسے بخار ہو جائے. سردی کا تو کپ کپی سے محسوس ہوتی ہے, کپ کپی سے محسوس ہوتی ہے, اور یہ علامت اس چیز کی ہوتی ہے کہ اس کے اندر اللہ کی محبت کا نور سرایت کر رہا, داخل ہو رہا. میرے آقا نے فرمایا کملی اور تو مجھے, جب پہلی وحی آئی تھی زمبلونی کیا کملی اڑوا دو, اس کو وحی نہ کہیے گا, وحی کے دروازے بند ہو گئے. غور سے سمجھیے گا, ختم نبوت کے صدقے, بس ختم, وحی ختم. اب نبی آئے گا تو وحی آئے گی, نبی آئے گا نہیں وحی آئے گی نہیں, یہ تو کہانی ختم ہو گئی. الہام ہوتا رہے گا, اللہ کے دوستوں پہ الہام ہوتا رہے گا. اس جو روحانیت اور نہاریت دل میں منتقل ہوتی ہے, یہ میں بڑی خاص بات بتا رہا ہوں, اس کے اندر بھی کچھ بعض کو ایسی کیفیات ہوتی ہیں جیسے کپ کپی سی ہو رہی, جیسے ہلکے سے جھٹکے لگے, ہلکا سا جھٹکا لگا, روحانیت اس کے اندر منتقل. بس وہ کہا کہ مجھے محسوس ہوا ایسے جھٹکے لگے, ہلکے سے کپ کپی سی محسوس ہوئی. میں سمجھا بخار ہو گیا, میں نے چادر اوڑی, کپ کپی ختم نہ ہوئی, اور اسی کپ کپی میں میں عمل کرتا رہا. پھر 8 دن باقی رہ گئے, پھر 7 دن, پھر 6 دن, پھر 5 دن. جب 3 دن باقی رہے تو میری کپ کپاہٹ بڑھ گئی. انہوں نے کہا ڈاکٹر کے پاس لے جائیں, لیکن اندر کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا تھا یہ ڈاکٹر کا کیس نہیں ہے, یہ اللہ کے اس نور اور علم کی کیفیت ہے. تیرے اندر منجھائی اور دھلائی ہو رہی, تجھے اللہ کے نام کے لیے تیرے دل کو قبول کیا جا رہا اور تیرا قلب جاری ہو رہا, اس کے لیے تیرے دل میں جگہ بن رہی. پرانی جھونپڑی توڑ کے, یہ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, پرانی جھونپڑی توڑ کے نیا محل بنا رہا. تو کہتے ہیں پرانی جھونپڑی بھی نہ ٹوٹے, نیا محل بھی بن جائے. یہ سارا کچھ اس کے لیے کیا جا رہا. اور اس کے بعد کہا کہ میں نے سال جب پورا کیا اور اگلا دن پھر شروع کر دیا اور وہ سال پورا ہو گیا, کہا کہ اس کا جو تجلیات مجھے ملی, اب وہ تجلیات اگر میں آپ کو ممبر میں بٹھا دوں آپ کہیں گے یہ کیسی کہانیاں بیان کر رہا ہے, یہ کیا بیان کر رہا ہے. اس کی جو تجلیات ملی مجھے اور اس کا اللہ کی نفس سے نور ملا اور مجھے ولایت کا نور ملا, جو ولایت کی تاثیر ملی, ابھی وہ صاحب اسی مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو ملا مجھے بس. 3 تسبیحات لا علاج بیماریوں کے لیے, کینسر سے ہو, ہیپیٹائٹس ہو, وہ کمر کی درد ہو, وہ پٹھوں کا کھچا ہو, 3 تسبیحات. اور تصور یہی ہو کہ مولا اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ تصور کریں, اور اگر کوئی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو یہ تصور کریں کہ مولا اے صدقہ تیری بارگاہ میں بلاؤں کا رد ہے, مصیبتوں کا رد ہے, بیماریوں کا رد ہے, تکلیفوں کا رد ہے. مولا میں ایک دفعہ اللہ اکبر اس لیے پڑھ رہا کہ مولا میری یہ مصیبت ہے, بے اولادی میری مصیبت ہے, اولاد کا غم میری مصیبت ہے, اولاد کی نافرمانی میری مصیبت ہے, اولاد کا دکھ میری مصیبت ہے, اولاد کی کند ذہنی میری مصیبت ہے. مولا یہ میں نیٹ کی دنیا میں گرفتار ہو چکا ہوں, اللہ اس گندگی اور غلاظت میں گھر چکا ہوں. یا اللہ تو برائیوں کے 70 دروازے صدقہ کرنے سے بند کرتا ہے, اللہ یہ برائی کا ایک دروازہ ہے تو 70 بند کر دیتا ہے, اللہ اس برائی کا دروازہ مجھ سے بند کر دے. اللہ اکبر میں اس لیے پڑھ رہا 3 تسبیح صبح شام. عجیب فائدہ ہوتا ہے, بیماریوں میں فائدہ ہوتا ہے, دکھوں میں فائدہ ہوتا ہے, لاعلاج مسائل میں فائدہ ہوتا ہے. 3 تسبیح صبح 3 تسبیح شام اللہ اکبر کی پڑھنے سے. بخار تو عام سی چیز ہے, درد تو عام سی چیز ہے, تکلیف تو عام سی چیز ہے. جب میرے رب نے فرما دیا مدینے والے کی زبان اتھر سے, اللہ نے فرما دیا اور مدینے والے نے فرما دیا کیا کہ یہ صدقہ ہے اونٹ کا, اور ایسے اونٹ کا جس کو ذبح کیا جائے اور قبول ہو جائے. ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. آپ کسی مرض میں مبتلا ہیں, آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں,
आप ऐसी तकलीफ में मुबतला है जिसका इलाज नहीं है, जिसका इलाज नहीं है, ऐसी तकलीफ में मुबतला है जिसका इलाज नहीं है। आप मायूस ना हो, आप परेशान ना हो, आप अल्लाहु अकबर तीन तस्बीह सुबह शाम पढ़ना शुरू कर दें। अव्वल आखिर तीन बार दरूद पाक, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इस कैफियत के साथ और तसव्वुर के साथ, मौला ये सदका है, मेरी फलां तकलीफ दूर कर दे, मेरा फलां ऐब खत्म कर दे, मेरा फलां गुनाह दूर कर दे, मेरी फलां जिल्लत जुल्मत दूर कर दे, ऐ अल्लाह मेरा फलां रिश्तेदार है, दूसरों के लिए पढ़ सकते हैं, दूसरों के लिए भी, दूसरों के लिए, औलाद के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, शोहर बीवी के लिए, बीवी शोहर के लिए पढ़ सकते हैं। मियां बीवी का था झगड़ा, बीवी रूठ के चली गई, कहने लगी इलादा मकान लेके दे और इतने इतना महाना दे, यानी तनख्वाह में से 2-4 हजार तू रख, बाकी सारे मुझे दे। कहीं क्या करूं, दो बच्चे हैं, बीवी को छोड़ नहीं सकता। मैंने कहा सदका कर बीवी को लाने के लिए। कहने लगे पैसे तो उसके पास चले जा रहे हैं, आप करें सदका कर। तारिक भी ऐसी अजीब बातें करता है। कहने लगे पैसे दो तो कर सदका कर, आप कहते हैं सदका कर। मैंने कहा अल्लाह के बंदा सदका कर, सदके से तेरे घर में जो नफरतें हैं दिलों के अंदर ये खत्म हो जाएंगे। सदका बलाओं मुसीबतों का रद्द है, सदका कर। कहने लगे पैसे नहीं है। मैंने कहा जैसे तैसे है कर सदका। चलो मैंने कहा मैं फिर आसान सी तरकीब बताता हूं, तीन तस्बीह सुबह शाम अल्लाहु अकबर की पढ़, सदका कर। कहने लगा हाँ ये ठीक है। मैंने कहा यही सदका तो मैं कह रहा था, यही सदका तो कह रहा था। कहने लगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, पहचाना नहीं? कहले आप कौन है, कमाल करते हैं। अभी कुछ अर्सा तो हम एक दूसरे के साथ जमा थे, खटे थे। वैसे मैं आपके वालिद साहब को भी पहचानता हूं, उनका नाम भी जानता हूं, आपकी वालदा का नाम भी जानता हूं, आपके वालिद साहब क्या करते हैं मैं ये भी जानता हूं। हाँ हाँ आप पहचानते, इसलिए नहीं खिलाना पिलाना ना पड़े। अब बेचारा और परेशान। आपको याद नहीं हमारी मुलाकात हुई थी पहले? कि नहीं। आप कौन है? कह वाह इतना भूले के पूछे कौन है, याद करें जरा। लगे मुझे याद नहीं, मुझे तो अच्छी तरह याद है, हम दोनों ऐसे आमने सामने खड़े थे और हमारी मुलाकात हुई थी। मैं तो आपके वालिद साहब का नाम भी जानता हूं और वालदा साहबा का नाम वो भी जानता हूं। अब वो बेचारा परेशान। हमारे वो मास्टर साहब थे, वो ऐसे बंदे को कहते थे, कहने बस अल्लाह की मर्जी, वक्त आ गया आपका। ऐसे अच्छे खासे बंदे को कहते हैं, तबीयत कुछ बता रही है आपकी, बस वक्त आ गया, ठीक है, अल्लाह को यही मंजूर था। और नहीं, आपकी मजीद कैफियत भी बता रही है कि वक्त आ गया। बंदा जब जिद हो जाता था ना, मदीने जाने का वक्त आ गया, जब बंदा मजीद हो जाता था ना, फिर आखिर में कहते थे मदीने जाने का वक्त आ गया। उसने भी कहा, उसने कहा अपने कहां मिले हैं? भाई हम आलम अरवाह में मिले थे। किताबों में आता है जो आलम अरवाह में एक दूसरे के तरफ मुंह करके खड़े थे, तो मुंह करके मोहब्बत होगी, मिलेंगे। हम मिले नहीं थे, पहचाना नहीं थे, भूल गया पागल आदमी। तेरा अब्बा आदम नहीं है, तेरी अम्मा हवा नहीं है, हम भाई नहीं है, हमारी मुलाकात नहीं हुई। हमारी मुलाकात है इससे पहले, हम एक दूसरे को जानते, भूल गया। आप कहते हैं मैं क्या बात कह गया, आप खुद समझ, आपको नहीं आ रही क्या कह रहा हूं। हमारी जितनी बैठे ना तस्बीह खाने में मेरी तरफ मुंह करके, हमारी पहले मुलाकात हो चुकी है और आलम अरवाह में हुई है, जब रूहें थी, कोई वजूद नहीं था, इंसान बना ही नहीं था, रूहें रूहें थी। क्यामत तक जिस रूह ने लब्बैक कहा है, काबा का तवाफ जरूर करेगी।
और क्यामत तक जो रूह एक दूसरे के आमने सामने थी वह एक दूसरे का आमना सामना करेगी और उनका प्यार मोहब्बत होगी और जिन रूहों की पीठें थी उनकी पीठें ही रहेंगी। तो क्या बात कर रहा था? हाँ, मैंने कहा सदका, जिसकी बीवी लौट गई थी, मैंने कहा सदका कर। उसने जो पढ़ना शुरू कर दिया, मुझे कहने लगा, मैंने पता कैसे पढ़ा, मैंने तसव्वुर किया मौला तो एक ऊंट सदका करने का सवाब देता है, मैं एक ऊंट सदका करके बीवी के सामने रख रहा है तो बांट रही है। कहने लगी, मैंने कहा मौला मैंने 350 ऊंट सदका कर दिए और सजबा कर दिए टुकड़े करके, कहा मैंने कहा ले तू बांट। कहने लगे वो बांट रही है और खुश हो रही है, वाह आज तक तो वो तवज्जो ही नहीं की थी, अब इतनी तवज्जो कर ली। वो चंद ही हफ्ते के बाद बीवी की तरफ से पैगाम है, भाई इसको ले जाओ, मेहरबानी करो इसको ले जाओ। कहने लगे वो मेरे पास जब बीवी आई, ना खर्चा ना हम तुम होंगे, कॉलेज होगा, रक्स में सारा नॉलेज होगा, ना कोई कहानी, कुछ भी नहीं, बस प्यार मोहब्बत रख रखाओ ख्याल लिहाज वो था। पहले कहती थी मकान ही लेता थे, महाना बना के दे, गोश्त जो उससे बटवाया और जो बटवाया जो अच्छा उससे अगली अजीब बात सुने। कहने लगी आपके ना जाने के बाद जब हमारा आपस में सुलह हुई है, इससे इतने हफ्ते पहले मैंने ख्वाब देखा, मैं ना ऐसे ऊंट का गोश्त बांट रही हूं। एक तो माई को ख्वाब बहुत आता है, एक तो माई को ख्वाब भी बहुत आता है। कहने मैंने ख्वाब देखा, मैंने ऐसे ऊंट का गोश्त बांट रही हूं और फिर मैं जब सुबह उठती थी तो मेरे हाथ से ऊंट के गोश्त की बू भी आती थी। अजीब बात है, इसने नहीं बताया कि मैंने तेरे पर ही अमल किया, 3 तस्बीह सुबह शाम और तुझसे तसव्वुर में सदका करवाया, टोटे टोटे करके दिया, अब बांट तू, ये नहीं कहा, उसने खुद कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने ऐसे है कि आपने मुझे गोश्त करके दिया और आपने कहा बांट, मेरा ऊंट का गोश्त जो है मैं बांट रही हूं और जब ख्वाब से सुबह बेदार होती थी तो मेरे हाथों से गोश्त की बू आती थी जैसे मैंने वाकई बांटा है। और उनकी सुलह हो गई, और ऐसी सुलह हुई कभी नफरत नहीं हुई। कहने लगा 7-8 दफा रूठ के चली गई थी, उसको ली जाते थे और कहते थे बस अब तलाक तो होगी होगी। कहने लगा अब इतने साल हो गए हैं, अब तो बस सुलह ऐसी हुई है कि प्यार मोहब्बत और बस आपस में उल्फत और एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे का रख रखाव। बीमार के लिए, जिसको तकलीफ है उसके लिए, अल्लाहु अकबर। और जिसको कोई लाइलाज बीमारी है और जिस पे जादू है, तू कहते हैं मरीज का सदका करें, मरीज का सदका करें। एक और तसव्वुर बताऊं, मैं ठट्ठा में था मकली में, लाहौर के कौश अहबाब भी थे मेरे साथ, तो वहां एक साहब मुझे अपने अहबाब में से कहने लगे कि यहां फुर्सत है एक थोड़ी सी अर्ज करनी है। ये गालिबा 2002-2003-2004 इस तरह की बात है, 2002-2004 की। एक बात करनी है, मैंने कहा जी बात करें। हमारे एक दोस्त होते बारी साहब, वो मुझसे कहने लगे एक बात करनी है। मैंने कहा जी। कहने लगे कि मैं कैंट में रहता था, अब यहां PCSIR सोसाइटी जो है फेज 1, यहां रहता हूं, किराए पे रहता हूं ऊपर के मकान पे, मेरे पर जादू है, सब कुछ मेरा खत्म हो गया, मसाइल मुश्किलात फला फला ऐसे है, और जादूगरों को मैंने खुद देखा है। मैंने कहा आपका गुमान अच्छा नहीं है, अमूमन आपको मैं बता दूं 99% जादू अपने नहीं करते और 80% खुद जादू नहीं होता, कि हर बीमारी हर तकलीफ हर उलझन को हम जादू करार दे देते हैं, और ऐसे लोग नजरानों शुक्रानों वालों के लिए तरने वाला होते हैं। तो
मैंने कहा आपका गुमान अच्छा नहीं है, जादू नहीं है। अच्छा मैंने कहा आप ये पढ़ ले। मैंने उन्हें कहा या आली मुअल्लिमनी या खबीर अखबरनी या वहाब हबली मिन इसरार दुनिया वल आखिरा, ये पढ़ ले और अल्लाह से 7 बार 11 बार आऊज़ु बिल्लाहि मिन शैतान रजीम भी पढ़े ताकि शैतान अपना फितना ना करे और अपनों को ना दिखाए। शैतान लड़ाने के लिए बहुत खबासत करता है, अपनों की शक्लें दिखा देता है, कहने लगे मैंने अपने ख्वाब में देखा है। अल्लाह का ऐसा निजाम बना, कुछ मैंने अपने इल्म में टूटा फूटा देखा, कुछ उन्होंने भी। वाकई वो एक खातून थी कि जो बहुत ज्यादा जो है इधर उधर जाती थी, मालदार थी और पैसे देके उल्टा सीधा काम करती थी। तो मैंने कहा ऐसा करें आप इसकी ना हिदायत की दुआ मांगें। यकीन जानिए मैंने 7-8 महीने उनसे दुआ मंगवाई कि इसकी रूह को हदिया कर, हिदायत की दुआ मांगा। पर उसके लगता है उसका कल्ब जो था शकी था, बदबख्त था, दिल उसका सख्त था, उसने अपने कल्ब से बाज ना आई। फिर मैंने उसे कहा अच्छा ऐसा करें आप एक तसव्वुर के साथ 3 तस्बीह पढ़ें। अब वो तसव्वुर सुने, तसव्वुर सुने। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा कि आपने इसलिए नहीं करना कि आपको कैसे यकीन है कि वो जादू करता है, और बाज़ औक़ात खुद जादू होता ही नहीं है, सिर्फ हमारा गुमान और ख्याल है। और बाद लोगों पे जादू का फोबिया होता है, हर चीज पे जादू जादू जादू, नहीं होता, होता है लेकिन इतना नहीं होता जितना हम समझते हैं, इतना नहीं होता। तो मैंने कहा तो ऐसा कर ऊंट को जबा कर, ऊंट को एक दफा अल्लाह अकबर कहके ऊंट जबा हुआ, उसका जो खून है, उसका जो खून है वो उठा के उस औरत में मल दे। तसव्वुर में, सारा तसव्वुर में कहानी चल रही है, उसे मल दे। तो बस ये 3 तस्बीहें ऐसे पढ़, ऐसे पढ़। को मेरे ख्याल में कोई पता नहीं कितने दिन गुजरे होंगे, मुझसे कहने लगे कि उस माई का जो है मेरे पास फोन आ रहा कि मिलना चाहते हैं, वो बड़ी खतरनाक है, घर में आती है कुछ छोड़ के चली जाती है। मैं कहा ना इंशाल्लाह आप और तरीके से मिलेगी, आप उससे मिले, इजाजत दे दें। मुझे कहने लगे कि माई आई, गुलदस्ते ले आई, मिठाई ले आई, फला चीज ले आई, और आते ही दुपट्टा उतार के मेरी और मेरी बीवी के पांव पड़ गई कि अल्लाह के वास्ते ना कर, बस कि मैं रोज रात को देखती हूं हर तरफ खून ही खून है, और मेरे बच्चों के साथ खून है, और मेरे मियां के साथ, पोतों पोतों के साथ खून ही खून है, और एक खून में लिथड़ी हुई नंगी तलवार है कि जो ऐसे महसूस होता है कि उससे अभी खून के कतरे टपक रहे हैं, और वो मेरे बेटे के सर के ऊपर है, मेरी मेरे सर के ऊपर, मियां के सर, बच्चों के सर के ऊपर, बस थोड़ी देर में सबको कत्ल कर देगी। और मुझे कितने दिनों के बाद एहसास हो रहा है कि मैं आपके साथ नुकसान कर रही थी, मुझे माफ कर दें। कहने लगे जो माई रोई और जिस माई ने जो एतराफ किया, कहने लगे हमें एहसास हुआ कि हमने तो अल्लाह अकबर को नौज बिल्ला समझा ही कुछ नहीं था, अल्लाह अकबर के अंदर इतनी ताकत और इतनी तासीर। तो बीवी रोटी है ना, उसको गोश्त बंटवा दिया करें, हाँ उसे कह ले गोश्त बांट, 300 ऊंटों का गोश्त बांटेगी मई के तो हड्डियां भी खत्म हो जाएंगी। 300 ऊंटों का गोश्त सुबह बांटे और 300 का शाम बांट, हाँ खेले मेरा जी चाहता मदीने आई जावा ते जाई जावा, आई खर्चा तेरी मां देवेगी, आई जावा ते जाई जावा, आई जावा ते जाई जावा, खर्चा तेरी मां देवेगी। तो देखो उसको कह सारा दिन तू 300 ऊंट का गोश्त बांट, चल बांट जल्दी कर, वैसी मां बाप के घर बैठी है, मेरे काम की तो वैसे ही नहीं, चल ये काम तो करती रहे, ना काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। अमाल में ताकत है, अमाल में तासीर है। ये वो औरतें जिनके शोहर गए हैं बाहर मुल्क 7 साल से 20 साल से, उनको कहो उनसे जरा गोश्त बंटवाओ शोहर से, हाँ गोश्त बंटवाओ, तकसीम कर, सदके की ताकत है और सदके की कुवत है।
اور پھر اللہ کے نام کی اپنی طاقت ہے، اپنی قوت ہے۔ کئی واپس آئے، مانتا اس کا بیٹا آتا ہی نہیں تھا، اور ادھر کمائی بھی نہیں ہے، یہاں سے خرچہ بھیج رہے ہیں، پر ادھر تھا یورپ کے کسی شہر میں۔ مجھے کہنے لگے کیوں ہے؟ میں نے کہا اس کے شہوت کی چاہتیں وہاں پوری ہوتی ہیں، یہاں آ کے بن جائے گا، حالانکہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، پیسے یہاں سے بھیج رہے ہیں۔ اس کو میں نے کہا گوشت بڑھواؤں، اس کو کہو گوشت مانتا چل جل سارا دن، صبح کا گوشت شام تک ختم ہو جائے گا، 300 اونٹوں کا، 300 کو سگا دے، ساری رات پھر مانتا رہے، پھر صبح پھر لگا دے، اسی کام پہ لگا، اس کو کام پہ لگایا۔ چند ہفتوں چند مہینوں میں بیٹا واپس آ گیا، شوہر بیویوں کو چھوڑ وہاں بیٹھے ہیں، کوئی یورپ میں، کوئی امریکہ میں، کوئی انگلینڈ میں، کوئی دبئی میں، کوئی کہاں، وہ نیک بیٹیاں بیویاں یہاں سسک رہی ہیں۔ کہنے لگا، شوہر کو خط لکھا، کہنے لگا میرے سرتاج، مال ساری عمر کمانے کے لیے، اور مال کمانے کے لیے ساری عمر ہے، پر جوانی کی یہی 4 دن ہوتے ہیں، آپ مجھے چھوڑ کے وہاں مال کما رہے، میں سسک رہی ہوں یہاں۔ تو اس لیے میری درخواست یہ ہے، اپنی زندگی کو اعمال میں، اور کوئی خوش قسمت ہوگا دل کی دنیا کے لیے پڑھ لے، دل کی دنیا کے لیے پڑھ۔ ہمارے ساتھی ہیں کیپٹن صاحب، کہنے لگے میری ایک رشتہ دار خاتون تھی، وہ بڑا گوشت بیٹھے بیٹھے من ڈیڑھ من کچا کھا جاتی تھی، کچا کھا جاتی تھی۔ آپ میں سے کوئی جانتا ہے کسی کے ایک رشتہ دار نے یا کسی جاننے والے نے کچا گوشت کھایا ہو، جنات کا مارا ہوا؟ کسی کے مشاہدے میں ہے؟ آپ کے ہے مشاہدے میں، اور کسی کے؟ وہ ہاتھ کھڑا ہے، او کھڑے ہو جائیں، کوئی ایسے کہیں گے، شاید ایسے کہہ رہے، ہاتھ کھڑا کریں، کھڑے ہو جائے، آپ ہیں، پیچھے بندہ کھڑا ہے، اس کو سامنے آئے، آپ ہیں۔ کچا گوشت کھا جاتے ہیں، کچا گوشت، کتنا کھایا ہوگا اندازہ؟ شادی میں تھا، ادھر بھینس ذبح کی تھی، کچا گوشت کھا رہا تھا۔ آپ کے گھر میں ایک مزدور لگا تھا، رات دن وہیں رہتے تھے، کہتے فریزر میں، ہم کہتے پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، کچا گوشت اور انڈے کچے وہی مزدور کھا جاتا ہے۔ اس نے اعتراف بھی کیا کہ میں کچا گوشت کھاتا ہوں، تشریف رکھیے، ہاں کہتے گوشت کی شادی، رو دوست کی شادی ہوئی، نئی شادی ہوئی، اس کی بیوی نے پھر اعتراف کیا کہ میں کچا گوشت کھاتی ہوں، ہاں وہ کہتے فریج سے نکال کے کچا گوشت بھی کھا جاتے تھے، فریج میں جو پڑا وہ بھی کھا جاتے تھے۔ شکم فقیران تغار خدا، ہما چیز آیت فنا در فنا۔ یہ جو جنات کی دنیا ہے، اب یہ بات میں نے کیوں پوچھی، جنات کی دنیا ہے، جو شریر جنات ہے، کچا گوشت ان کی مرغوب غذا ہے، ان کو کہو ہماری جان چھوڑو، تمہیں 300 اونٹ دیتے ہیں، چل جا۔ سایہ، جن، جنات، ہماری جان چھوڑو، تمہیں روزانہ 300 اونٹ صبح دیتے ہیں، 300 شام دیتے ہیں، کھائی جاؤ تو پکائی جاؤ، چلو کھاؤ، ہمیں نہ کھاؤ۔ مجھے بندہ کہنے لگا، میں سیب کھاؤں، انڈا کھاؤں، ملائی کھاؤں، مرچ کھاؤں، پھر خود ہی کہنے لگا، حکیم صاحب آپ کہیں میرا سر نہ کھا، باقی ہر چیز کھاؤ، خود ہی کہنے لگا مجھے۔ یہ اعمال چھوٹی باتیں ہیں، یہ میری ہستی مسکراتی باتیں ہیں، لیکن اس میں بڑی گہرائیاں ہیں، اس میں بڑی تاثیر ہے، اس میں بڑی طاقت ہے۔ 300 دفعہ اللہ اکبر، جادو، جنات، بندشیں،
جھگڑے صد کا سب مسئلوں کا حل ہے، مسجد یہ ہے، اور اللہ کا نام سب مسئلوں کا حل ہے، اور جو اس میں ذات اللہ ہے یہ خود ساری کائنات کی روح ہے۔ بس یہ تو ساری کائنات کے مسائل کا حل ہے، ساری کائنات کی مشکلات کا حل ہے، ساری کائنات کی الجھنوں کا حل ہے۔ آپ اللہ اکبر کی گہرائیوں کو ذرا ڈوبتے چلے جائیں، چھوتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، زندگی عجیب و غریب اور زندگی راحتوں اور برکتوں کا ذریعہ، زندگی میں مسائل مشکلات حل ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے۔ اور اس کو دل کے لیے پڑھا کریں، دل کو ہمیشہ جانچا کریں، دل کو ہمیشہ سمجھا کریں، اس دل کی دنیا کو پرکھیں، پڑھیں، دل کی دنیا اللہ میری آپ کی آباد کر دے، میں بھی آباد، دل کی دنیا میں اللہ میری بھی آباد کر دے، دل کی دنیا آپ کے بھی۔ اپنا سبق سنا رہا ہوں، اللہ ہم سب کا سبق پکا کر دے، ٹھیک ہے نا، کریں گے نا۔ اور یہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے میرا بھی تصور کر لیا کریں، میری نسلوں کا بھی، کہ اس کی اللہ پاک اس کی خیریں اور برکتیں مجھے اور میری نسلوں کو بھی ضرور عطا فرمائے، میں محتاج ہوں، ضرور کیا کریں۔ یہ کچھ اعلانات ہیں، ان پہ ضرور توجہ فرمائیں اور تسلی سے بیٹھ کے توجہ فرمائیں، ضرور توجہ فرمائیں اور تسلی سے بیٹھ کے توجہ فرمائیں۔ دم کا اعلان پہلے ہم نے کیا تھا کہ 1 جنوری کو ہوگا، 17 کو۔ اب اگلا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ 29 جنوری اور 2017 کو ہوگا، 29 جنوری کو صبح 7 بجے، ایک اعلان یہ ہے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ دل کی دنیا، روحانی دنیا اور روحانی بھید پانے کے لیے کشف المحجوب کے درس آپ سنا کریں، نیٹ پہ، موبائل پہ 70 یا 90 درس سنا کریں، اور کشف المحجوب کے حلقے میں ہر مہینے کوشش کریں آپ تشریف لایا کریں۔ اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ آپ، بہت سے لوگ ہیں اپنی آمدنی میں سے 2.5% نکالتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں ہم کیا کریں، کیونکہ وہ صدقہ نہیں ہوتا، وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اگر اس کے میموری کارڈ لے کے لوگوں کو دے دیں اور رسالے لے کے دے دیں، اسے ہماری دکانداری نہ سمجھیں۔ اللہ پاک کرے ایسا نہ ہو کہ ہر چیز کو جس رنگ سے دیکھیں اسی چیز سے نظر آتی ہے، ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو اس کی ترکیب یہی ہے کہ اس کے میموری کارڈ لے کے لوگوں کو دے دیں اور رسالے لے دیں، تو مخلوق کو خیر انشاءاللہ ملے گی۔ اور حامیم لا ینصرون 313 بار، اور یا حفیظ یا سلام 11 یا بار یا ایک تسبیح پڑھ کے یہاں کے سارے نظام کا تصور کریں۔ حامیم لا ینصرون 313 بار سارے نیت کریں، پڑھیں گے سارے نظام کا تصور، حفاظت کا، کفایت کا، کفالت کا، برکت کا، رحمت کا، عافیت کا، میرا تصور، میری نسلوں کا، ساتھیوں کا، درود محل کا، تسبیح خانے کا، سارے نظام کا۔ اور نیٹ اور تسبیح خانے میں، انٹرنیٹ اور تسبیح خانے اور موتی مسجد میں بعض مرد اور خواتین خود پیر بن جاتے ہیں، اور مجھ سے اپنا رشتہ ناتا کہ میں ان کا کزن ہوں، خلیفہ ہوں یا استاد ہوں، اور پھر مخلوق خاص خدا کو عجیب و غریب دھوکے دیتے ہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور ایسے لوگوں کی ہمیں اطلاع دیا کرے۔ اور درود محل، روحانی منزل، تسبیح خانہ اور دار و توبہ کے لیے اعمال کے ہدیے کی نفل روزے اپنی ہر دعاؤں میں خصوصی اللہ سے مانگے، اور آئندہ سال اجتماع کے لیے اللہ پاک سارے نظام مکمل کر دے، سارے نظام مکمل کر دے۔ انشاءاللہ شیخ پورہ روز پہ، روڈ پہ خان پور نہر جہاں ہے، جہاں لوگ مچھلی کھاتے ہیں، اس کے ساتھ وہاں انشاءاللہ ایک جگہ اللہ پاک کی رحمت سے ہے، وہ جگہ، اس پہ انشاءاللہ آئندہ سال اجتماع ہوگا۔ اس جگہ کا نام حجویری محل ہے، کیا نام ہے؟ حجویری محل ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہمارا اجتماع آئندہ سال 2 نومبر کا ہوگا۔ اس کے لیے ابھی سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ وہ الحمدللہ جگہ ایکڑوں میں ہے، وہاں پارکنگ بھی، وہاں سارا نظام بھی، اللہ اس کی حفاظت، کفایت اور غیبی نظام سے ہماری مدد فرما۔ اس کے لیے ابھی سے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اور فیس بک، نیٹ، ای میل اور خط کے ذریعے اپنے تجربات روحانی اور طبی ضرور لکھا کریں۔ اور تسبیح خانے میں عشق مصطفیٰ، نور معرفت اور اللہ کا تعلق پانے کے لیے خدمت اور ذکر، تسبیح خانے میں خدمت اور ذکر، یہ 2 ذریعے ہوتے ہیں، خدمت بھی اور ذکر بھی، اعمال بھی۔ تو اس کے لیے تسبیح خانے میں چند ہفتے، چند مہینے، چند دن گزارے، ریٹائرڈ اور بوڑھے حضرات اپنی زندگیاں وقف کریں۔ یہاں پر خدمت کرنے والوں کو گفٹ، ہدیہ، بخشیش ہرگز نہ دیں۔ آپس میں رشتے، معاملے اور ناطے
لین دین اپنے اپنی ثوابدید پہ کریں، ذکر خاص کا کارڈ ساتھ نہ لے جائیں، امانت ہے، اور شجرہ طیبہ منتخب احادیث آداب معرفت ضرور پڑھا کریں۔ روزانہ اپنے موبائل پر روحانی میسج پانے کے لیے اپنے موبائل پہ 404-4044 کا میسج لگائیں، پتہ نہیں تو ساتھ بیٹھے سے پوچھ لیں، اور جس میسج کے اوپر اپکری آئے گا وہی اپکری کا میسج ہوگا، ورنہ وہ اپکری کا میسج شمار نہیں ہوگا۔ وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں، اپنے جیبوں اور جوتوں کی حفاظت کریں۔ میں نے عرض کیا تھا جس وقت یہاں سے لوگ جاتے ہیں اور خاص طور پہ میں جاتا ہوں اور لوگ مسافہ کرتے ہیں، اس وقت موبائل اور جیبیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا، اس پہ آپ نظر بھی رکھیں، اعمال بھی رکھیں، اسباب بھی اختیار کریں۔ خاص طور پہ جس وقت مجمع نکلتا ہے اور مسافہ کے لیے میں جاتا ہوں، اس وقت بہت زیادہ لوگوں کے نقصان ہو رہے، اس میں احتیاط بھی کریں اور ایسے بندوں پہ نظر بھی رکھیں اور حفاظت والے اعمال بھی کریں۔ گاڑی اور موٹر سائیکل کی پارکنگ میں تعاون کریں، یہ رقم ادارے کو نہیں جاتی۔ فیس بک پر خود اعمال مت بتائیں، اعمال شفا کی سائٹ کی طرف متوجہ کرائیں۔ مانگنے والی مرد عورتوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں، گلی میں گھروں کے سامنے کھڑے نہ ہوں۔ رسالے کو اور درس کو مختلف زبانوں میں پوری دنیا کے احباب ترجمہ کر رہے اور مزید ترجمہ کرنے میں مخلصین متوجہ ہوں۔ اور شروع ہوگا ابھی، اس کے بعد لنگر سمیٹ دیا جائے گا۔ بعض لوگ باہر تشریف لے جاتے ہیں، وہ لنگر سے پھر محروم ہو جاتے ہیں۔ خواتین ہر حالت ہر حال میں درس میں شامل ہو سکتی ہیں، اور وہاں بیعت ہونے والی خواتین نام لکھوا کے کارڈ لے لیں۔ راستوں میں نہ بیٹھیں خواتین، اور سیڑھیوں پہ نہ بیٹھیں، اور جگہ جگہ نہ ہو، بلکہ اپنے راستے آنے جانے کے جدا ہیں تو ان جدا راستوں سے خواتین تشریف لے جایا کریں۔ اب بیٹھ کے دعا اور ذکر کا وقت ہے، خاص توجہ کا وقت ہے۔ اللہ سے مانگنا کہ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما۔ ذکر خاص کا ایک ایک بول پوری توجہ سے، گڑ گڑا کے، بھکاری کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے، اور دعا میں بھی۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ عالمین، اللهم صل على محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، الرحمن الرحيم، قل هو الله،
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب اللهم صل على لا إله إلا اللهم صل على محمد يا الله يا 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 كريم يا حي يا قيوم حسبي الله ونعم اللهم يا كاظم يا دافع يا حل المشكلة يا كافي يا شافي يا منزل البركة
या मुसब्बिब अल या मुजीब अद-दावा يا من الخائف يا خير يا متحي يا غياث المستغيث يا روح البحر ربي إني مظلوم لا حول ولا قوة إلا بالله يا الله يا رحمن اللهم صل على محمد آمين أستغفر الله الذي बंद कर दीजिए। हजरात बटन के पास बैठे हैं तवज्जो करें जी, जो हजरात बटन के पास बैठे हैं तवज्जो करें। सफ रंग के निशान जिन बटनों पे हैं, लाइट के हैं, उनको बुझा दें और पूरी तवज्जो पूरे ध्यान के साथ अपने दिल को हाजिर करके
पूरी तवज्जो के साथ और यकीन के साथ आहोजारी के साथ गिड़गड़ाहट से मांगेंगे, कीमती वक्त अल्लाह से जो मांगेंगे मिलेगा इंशाल्लाह। या अव्वल अव्वलीन, या आखिर आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिम अल मसाकीन, या अरहम अर राहिमीन, या अरहम अर राहिमीन, या अरहम अर राहिमीन, या अरहम अर राहिमीन, या अकरम अल अकरमीन, या अजवद अल अजवदीन, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या करीम, या करीम, या करीम, या करीम, या करीम, करम के दरवाजे खोल दे, फजल के दरवाजे खोल दे, अपनी रहमत को मुतवज्जे फरमा, अपने करम को मुतवज्जे फरमा, कामिल ईमान दे दे, कामिल इखलास दे दे, कामिल बरकत राफियत दे दे, बिन मांगे सदा अता फरमा, बिन मांगे सदा अता फरमा, बिन मांगे सदा अता फरमा, ए सखिया का हमारे दिल की ज़रूरतें पूरी फरमा, दिल की दुनिया बाद फरमा और दिल की दुनिया शाद फरमा, जिल्लतों से निकाल दे, इल्लतों से निकाल दे, किल्लतों से निकाल दे, इल्लत जिल्लत और किल्लत से बचा दे, दिल में कामिल ईमान का नूर दे दे, कामिल बरकत और आफियत दे दे, खैरें और आफियतें दे दे, ऐ दिल की दुनिया को आबाद करने वाले मौला, ऐ सखी शहनशाह, हमारी खास समय अपनी रहमतों में ले ले और खास अपने फजल की छतरी हमारे ऊपर तान दे। या अल्लाह इस उम्मत के हाल पे रहम फरमा, इस उम्मत के हाल पे फजल फरमा, इस उम्मत के हाल पे करम फरमा, तेरे खजाने में कमी नहीं सखी, अपने वैब के खजाने से अपनी दुनिया, हमारी दुनिया भी बेहतर फरमा और आखरत भी बेहतर फरमा, अपने फजल को मुतवज्जे फरमा, अपने करम को मुतवज्जे फरमा, ए करीम आका बिन मांगे अता फरमा, हमारी नमाजों में ध्यान दे दे, हमारी सजदों में तवज्जो दे दे और अपनी जात का ध्यान दे दे, ए अल्लाह हमारे जिक्र को कबूल फरमा ले और हमारी तस्बीह को कबूल फरमा ले, दिन दुगनी रात चौगनी दिल की दुनिया आबाद, दिल की दुनिया शाद फरमा, दिल की दुनिया मुझ पे शफकत और रहमत फरमा, ए सखी शहनशाह हमारी सारी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा, हमारी सारी मुश्किलें हल फरमा, हमारे सारे गुनाह माफ़ करा, एल्ला माफ़ फरमा, एल्ला गुनाह फरमा, और उन गुनाहों की वजह से तेरी रहमतें रुकी हुई हैं उनको मुतवज्जे फरमा, और उन गुनाहों की वजह से अगर हमें कलमा नसीब नहीं होना उस पर तौबा अता फरमा, उस पर तौबा दे दे, हमें माफ़ी दे दे, हमें मगफरत दे दे, हमारे पर फजल फरमा दे, हमारे पर करम फरमा दे, ए करम को मुतवज्जे करने वाले अल्लाह, ए रहम को मुतवज्जे करने वाले मौला, ए फजल को मुतवज्जे करने वाले आका, हमें दुनिया में भी खैरें दे दे, हमें आखरत में भी खैरें दे दे, हमें दुनिया में भी फजल दे दे और आखरत का भी कर, ए सखी हमारा खात्मा ईमान पे कर दे, जिल्लत और रुसवाई वाली मौत से बचा, जिल्लत और रुसवाई वाली कब्र से बचा, जिल्लत और रुसवाई वाली जिंदगी से बचा, खात्मा बिल खैर कर दे, हमारी नस्लों को हिदायत पे नवाज दे, हमारी नस्लों को बुत परस्ती जिल्लत इल्लत और किल्लत से बचा दे, पूरी उम्मत को बचा दे, आमीन कहने वालों को बचा दे, आमीन सुनने वालों को बचा दे, इल्लत जिल्लत और किल्लत से बचा दे, फजल को मुतवज्जे फरमा, रहम को मुतवज्जे फरमा और करम को मुतवज्जे फरमा, अपने नाम की सदा बरकतें अता फरमा, अपने नाम का शौक अता फरमा, दरूद पाक की लज्जत दे दे, जिक्र और कलमे की लज्जत दे दे, इन लज्जतों से हमारे दिलों को मुअत्तर कर दे, हमारी जबानों में वो जायके दे दे, हमने दुनिया के सारे जायके चखे मौला, तेरे नाम जायका ना मिला, मरने से पहले अपने नाम की लज्जत और जायके अता फरमा, मरने से पहले अपने नाम की लज्जत और जायके अता फरमा, मरने से पहले ये नेमतें अता फरमा, मौत से पहले अता फरमा,
हमारे जिस्म ने दुनिया के जायकों को चखा, तेरे नाम के जायके की खबर ही नहीं। तू दे तेरी मेहरबानी है, मरीज का जायका छीन लिया जाता है, जब शिफा मिलती है जायका मिल जाता है। हमारा जायका छिन गया है हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी नाफरमानी की वजह से, हमारी बेतवज्जी की वजह से, हमारी मेहनत ना करने की वजह से। ए सारी कायनात के आका, कायनात के मौला, हमें दुनिया में भी खैरें दे दे, आखरत में भी खैरें दे दे, और दुनिया में भी बरकतें दे दे, और आखरत में भी बरकतें दे दे, और दुनिया आखरत की सारी बरकतों से नवाज दे, सारी खैरों से नवाज दे, सारी आफियतों से नवाज दे। बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा। कभी दर दर का भिखारी ना बना, कभी दर दर का मोहताज ना बना। सदा अपनी खैरें आफियतें अता फरमा, सदा अपनी बरकतें आफियतें अता फरमा, सदा अपनी राहतें रहमतें अता फरमा। इलाही जो मांगा अता फरमा, जो नहीं मांगा अता फरमा। बीमारों को शिफा दे दे, तंगदस्तों की तंगदस्तियां दूर कर दे, बेरोजगारों को रिस्क दे दे, बे औलादों को औलाद दे दे, बे औलादों को साले औलाद दे दे, बे औलादों को औलाद बेटे दे दे, जिनको औलाद दी है सालहियत और सलाहियत दे दे। खैरें दे दे, आखरत में भी खैरें दे दे, दुनिया की भी बरकतें दे दे, आखरत की भी बरकतें दे दे। दुनिया में आखरत में खैरें अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा। जो मांगा अता फरमा, जो नहीं मांगे अता फरमा। जितने भी यहाँ बहने भाई आई हैं, सबके दिल की मुरादें पूरी फरमा, सबकी जरूरतों को गैब से पूरा फरमा, सबकी मुश्किलें हल फरमा, सबके कर्जे दूर कर दे, बेघरों को घर दे दे, बेदरों को दर दे दे, बेसहारों को सहारा दे दे, रिश्तों की बंदिशें दूर फरमा दे, बेटियों के नसीब अच्छे कर दे, बेटियों के नसीब मुकद्दर अच्छे कर दे, औलाद के नसीब मुकद्दर अच्छे कर दे। अल्लाह अपने गैब के खजाने से राहतें दे दे, रहमतें दे दे, भरम दे दे, शर्म दे दे, हया दे दे, ईमान दे दे। वसल्लल्लाहु अला नबी अल करीम, वसल्लल्लाहु अला नबी अल करीम, वाला आलिही वसहबिही वाहले बैतिही वाइतरतिही अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।